कई बार करंट अफेयर्स है ना, सिर्फ वो मतलब कोई आ जाता है तो हम उसको उसके सराउंडिंग एरिया को पढ़ के ना तो थोड़ा रिवीजन हो जाता है हमारा जो हमने पीछे पढ़ा है। तो करंट अफेयर्स हमारा 60-70% जो हमारा सिलेबस है वो रिवाइज करा देते हैं। तो करंट अफेयर्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना प्री में डायरेक्ट उठा करके करंट अफेयर्स से बहुत कम पूछे जाते हैं, उससे एसोसिएट करके जो हमारा सिलेबस है उससे बहुत सारे पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्शंस इस साल इलेक्शन होंगे तो इलेक्शंस न्यूज में रहेंगे तो इलेक्शन से रिलेटेड हमें कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिस साइड जिस साल प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उस साल उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी कोई चीज हो तो उसके सराउंडिंग में हमारे सिलेबस में क्या है वो हमें पढ़ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा रानी चिनम्मा का, इनके जब भी करंट अफेयर्स में एक और चीज खास बात क्या है, जब भी 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल किसी चीज के हो रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो उनकी उनकी तरफ नजर चली जाती है एग्जामिनर्स की, तो वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना उस टाइम ठीक रहता है। तो पहला जो न्यूज है वो उसी से रिलेटेड है, रानी चेन्नम्मा का। बेसिकली 200 साल जो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी उसको 200 साल पूरे हो गए। ठीक है, अब रानी चेन्नम्मा, जैसे आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सुना होगा उसी तरीके से इन्होंने भी एक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हम सिर्फ लक्ष्मीबाई को सुनते हैं। ठीक है, ये थी साउथ में, कर्नाटका बेलगांव में इनका जन्म हुआ, तो साउथ साइड में लड़ रही थी, तो इसीलिए इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप मेंस में रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल फ्रीडम या इंडियन नेशनल मूवमेंट जब आप लिखोगे तो कुछ नाम्स आपके पास उस टाइम पे हैंडी होने चाहिए जो आप लिख सको। आप रानी लक्ष्मीबाई लिख सकते हो, लेकिन ये कई बार नई नाम याद आते हैं तो इस तरीके से नाम आपको यहां से करंट अफेयर से वो रिवाइज हो जाते हैं कि इस तरह के नाम हम लिख सकते हैं। तो रानी चेन्नम्मा एक फाइटर थी, फ्रीडम फाइटर थी। फ्रीडम फाइटर तो हम नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। हुआ क्या था, इनकी शादी हुई, ठीक है, इनके हस्बैंड की डेथ हुई, राजा थे, इनके जो बड़े बेटे थे उनको राजा बना दिया गया, वो किसी बीमारी में आके उनकी डेथ हो गई। उसके बाद और कोई बेटा ना होने की वजह से इनको कोई और एडॉप्ट करना पड़ा, लेकिन उस टाइम पर एक पॉलिसी चल रही थी ब्रिटेन में जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने चलाई? डलहौजी ने चलाई। क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? हाँ, गोद लिए हुए बेटे को हम जायज नहीं मानेंगे और इसीलिए हम उसको वहां का राजपाट नहीं देंगे, वो राज को उस स्टेट को हम अपने अंदर एनेक्स कर लेंगे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी डलहौजी के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो जाता है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा उसमें उन्होंने किस किस स्टेट को एनेक्स किया। ठीक है, ये लड़ाई तो हो गई, हमने रानी चेन्नम्मा देख लिया, नाम देख लिया, क्या लड़ाई थी वो हमने समझ ली। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने शुरू की और उसके डलहौजी ने अपनाया इसको। ठीक है, इसको बहुत वाइड स्प्रेड किया बेसिकली और इसके अंदर बहुत सारे स्टेट को एनेक्स किया जिनकी सीक्वेंसिंग हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी सीक्वेंसिंग से पूछा जाता है कि पहले किसको किया, बाद में किसको किया, उसके बाद किसको किया। तो सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, देन उदयपुर, झांसी, नागपुर। उसके बाद एक स्टेट और था जिसको हम अवध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अवध को हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में काउंट नहीं करते हैं, हालांकि उन्होंने एनेक्स किया इसी आधार पर, लेकिन उसका रीजन उन्होंने लैप्स ना देकर के कुछ और दिया था, दैट वाज माल एडमिनिस्ट्रेशन। माल एडमिनिस्ट्रेशन कि वहां पर जो शासन है वो ढंग से नहीं चल रहा है, तो इसीलिए इस कंटेक्स्ट में उन्होंने उसको एनेक्स किया था। तो ये सीक्वेंसिंग हमें यहां पर पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो ये हमारी पहली न्यूज है। तो इससे जो हमारे टेक अवेज थे वो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए कि क्वेश्चंस में किस तरीके से उसको यूज करना है, मेंस में किस तरीके से यूज करना। तो रोल ऑफ वुमेन आए तो आपको एक नाम पता होना चाहिए जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना मोर्चा खोला था। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जैसे रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी वैसे इन्होंने भी अपनी लड़ाई शुरू की थी। ठीक है, तो यह हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। और यहां पर बेसिकली जॉन ठाकरे था जिन्होंने इनके साम्राज्य पे या फिर राज पे जो स्टेट था उसके ऊपर अटैक किया था। ठीक है, तो जब रोल ऑफ विमेन लिखेंगे ना तो उसमें दो तरीके से डिवाइड करना हमेशा, एक 1857 से पहले
दूसरा 1857 के बाद वाली, क्योंकि जो बाद वाले हैं वो हम फ्रीडम फाइटिंग में काउंट करते हैं, लेकिन पहले वाले वो रोल ऑफ वुमेन काउंट करते हैं, वो अपने स्टेट को बचाने के लिए। पहले वालों ने किसी ने फ्रीडम के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, जो फ्रीडम के लिए जो लड़ रही थी वो 1857 के बाद की है। इसीलिए जब भी रोल ऑफ वुमेन लिखोगे वो आप दो तरीके से डिवाइड करके आपको पढ़ना है, और दो तरीके से डिवाइड करके आपको। उसके अलावा रोल ऑफ वुमेन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इन एजुकेशन उनका क्या रोल रहा, सोशल रिफॉर्म्स में क्या रोल रहा, उस तरीके से भी हम अलग कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो भी हमें पढ़ने को मिलेंगे, तो वो भी हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो यहां पर या बेसिकली स्टेट के लिए, जहां पर आज के टाइम पे भी जहां पर एक बेसिकली कैंपेन चलाया जाता है नानो रानी चिनम्मा कि मैं भी रानी चिनम्मा हूं, इस कैंपेन जो बहुत जगह पे कैंपेन चलाया जाता है किस लिए, कि ये दिखाने के लिए कि विमेन भी सेफ्टी के लिए आगे आ सकती है, ऐसा नहीं कि आगे कोई मेल ही खड़ा हो। विमेन्स कैन टू बी द वैनगार्ड ऑफ द सेफ्टी, वो भी लीडर बन सकती है, वो भी सेफ्टी के लिए आगे आ सकती है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर सेफ गार्डिंग डिग्निटी एंड जस्टिस विमेन कैन ऑल्सो गिव या फिर प्रोवाइडेड विद द लीडरशिप रोल। ये कैंपेन चलाया जाता है ये दिखाने के लिए कि वुमेन टू हैव द पावर, ठीक है। तो जब ऐसे आएगा, जब इस तरह का ऐसे लिखने को आए कि वुमेन क्या क्या कर सकती है, तो उस टाइम पे आप एग्जांपल दोगे यहां पर कि वुमेन को लीडरशिप रोल में कैसे आगे किया जाए, तो हम एग्जांपल देंगे कि रानी चेन्नम्मा का रोल देखो इन फाइटिंग द ब्रिटिशर्स, जब उनका स्टेट उनसे लिया गया था, ठीक है। तो वहां पर एग्जांपल्स, ऐसे में आप वर्ड नहीं लिखोगे ना, एग्जांपल्स के द्वारा आपको ऐसे कंप्लीट करना होता है। तो वहां एग्जांपल लिखोगे आप, क्योंकि 1200 1250 वर्ड किसी एक टॉपिक के ऊपर बिना एग्जांपल्स के आप लिख नहीं पाओगे, तो वहां एग्जांपल्स होने चाहिए आपके पास। तो इसको आप रोल ऑफ वुमेन में यूज कर सकते हो, ऐसे में यूज कर सकते हो, कई जगह पे यूज होगा आपके, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक्स को एग्जांपल्स को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको हम मल्टीपल जगह यूज करेंगे, जरूरी नहीं है हिस्ट्री का टॉपिक है तो हिस्ट्री में यूज होगा, ठीक है। सोसाइटी में भी यूज हो सकता है, आपका एथिक्स में भी यूज हो सकता है, कई जगह यूज हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड है हमारा केयर फॉर एल्डरली पीपल। बेसिकली नीति आयोग ने बेसिकली एक पेपर रिलीज किया है, उस पेपर का नाम है सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया री इमेजिनिंग द सीनियर केयर पैराडाइम। क्यों जरूरी है, अभी आज के टाइम पे हम इंडिया की जो पॉपुलेशन मानते हैं, इंडिया को क्या मानते हैं, यंग कंट्री मानते हैं, एवरेज पॉपुलेशन 28-30 साल के आसपास है, ठीक है। जहां पर जो एल्डरली पीपल है 60 इयर्स एंड अबव या 75 इयर्स एंड अबव, हार्डली 10% लोग हैं, लेकिन अब ये नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो यूथ का डिक्लाइन होगा, यूथ का डिक्लाइन होगा तो यूथ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी एल्डरली की, यूथ पे नहीं इनडायरेक्टली मैं कहूं स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि जो एल्डरली हैं उनको जॉब दिलवाना या फिर जिस काम के लायक हो वहां पर उनको फिट करना, या फिर जब उनकी हेल्थ खराब हो जाए तो हमारी हेल्थ केयर उस टाइम पे ऐसी होनी चाहिए कि वो उस टाइम पर उनको सर्वाइव करवा सके या उनकी हेल्थ की देखभाल रख सके। क्योंकि 2050 तक ये अंदाजा है कि जो एल्डरली की पॉपुलेशन है वो 20% पहुंच जाएगी, यानी हर पांचवा आदमी एक एल्डरली होगा। तो उस टाइम पे स्टेट की जिम्मेदारी, क्योंकि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अब वो स्टेट के ऊपर एक कहीं ना कहीं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगे। तो हमें 2050, ऐसा नहीं कि हम पॉलिसी बनाते हैं तो हम आज की सोच के बनाते हैं, पॉलिसी हमेशा आगे 50-100 साल आगे की सोच के बनाई जाती है कि अगर आज हम ये काम करेंगे इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, आने वाले 10-20 सालों में क्या होगा। हम आज से ही एल्डरली के लिए जो किया जाना चाहिए वो नहीं करेंगे तो 2050 में अचानक से हाथ पांव फूल जाएंगे कि अब क्या करें, अब तो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो पहले से तैयारी करना जरूरी रहता है। तो इसके लिए नीति आयोग ने कुछ डाटा दिया है कि कितने हमारे पास एल्डरली हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। जब मेंस में लिखोगे तो इस हिसाब से आपको लिखना है जिस हिसाब से इसने रिकमेंड किया है कि हम कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। तो इसमें उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया, तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कि नीति आयोग ने किया पॉपुलेशन एजिंग क्यों हो रही है, फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो न्यू चिल्ड्रंस हैं वो कम होते जा रहे हैं। देन उसके बाद जो सर्वाइवल रेट है हमारा, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, जो 50s में थी आज 70s में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है,
72 ईयर्स जनरली लोग जी रहे हैं, तो एल्डरली का अपने आप ही बढ़ना है, पॉपुलेशन बढ़ेगी क्योंकि लाइफ बढ़ रही है, और चिल्ड्रन जो है छोटे वो कम होते जा रहे हैं, तो रेशो किधर बढ़ा, एल्डरली या यूथ में? और जब एल्डरली बढ़ रहे हैं तो उनका केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है स्टेट की, ठीक है? तो इसके दो रीजन है बेसिकली, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट और इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है? ये हमारा बेसिकली एल्डरली की पॉपुलेशन, जो एजिंग पॉपुलेशन है उसके लिए जो हम कह सकते हैं। अभी फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 10% है, लेकिन 2050 तक ये एक्सपेक्टेड है बाय द यूएन पॉपुलेशन फंड, ये एजेंसी है यूएनएफपीए, ये बोलती है कि 2050 तक इंडिया में जो एल्डरली की पॉपुलेशन हो जाएगी अराउंड 20% हो जाएगी, यानी हर पांचवा व्यक्ति एल्डरली होगा। जो इस रिपोर्ट में आया, तो रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि बेसिकली जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो 2011 का सेंसस, लास्ट कब हुआ था पॉपुलेशन सेंसस, 2011 में 8.6% थे जो 60 साल या उससे ज्यादा के थे, ठीक है? और आज के टाइम पे हम अप्रोक्सीमेटली मान लें 9.5 या 10% है, ठीक है? तो 8.5% थे जो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे 2050 तक, जो हमने पढ़ा कि 20% तक पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस हैं, ठीक है? हेल्थ स्टेटस उनका डिक्लाइन होता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि 75% एंड अबाव के जो हैं वो कहीं ना कहीं 2011 से 2050 पे देखें तो लगभग 3.5 गुना बढ़ जाएंगे, जो आज है उनसे 3.5 गुना 2050 तक बढ़ जाएंगे। तो 75 ईयर्स एंड अबाव, जो ज्यादा कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि डिजीज पकड़ सकता है जिनको, है ना, तो प्रॉन टू डिजीज ये होंगे, तो इसीलिए इनका केयर उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो 75 ईयर्स एंड अबाव की लगभग 3.5 गुना पॉपुलेशन हो जाएगी 2050 तक, यानी 340% इंक्रीज हो जाएगा। 100% में हम कहते हैं ना डबल हो गया, है ना, तो 340% इंक्रीज इसमें बोल रहे हैं। फिर उसके बाद एक जो बड़ा चैलेंज है वो है रूरल और अर्बन डिवाइड। जो मेजॉरिटी ऑफ एल्डरली पीपल हैं वो रूरल एरियाज में, 71% जो मेजॉरिटी है। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है, रूरल एरियाज में हेल्थ केयर सिस्टम इतना डेवलप्ड नहीं है, तो इसीलिए चैलेंजेस वहां ज्यादा हैं। हमें उनके लिए भी वो हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना है। और दूसरी क्या प्रॉब्लम है, जॉब शहरों में अवेलेबल है, शहरों में अवेलेबल है तो क्या हो गए, उनके बच्चे सब शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, गांव में अकेले रह गए। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मेंटल इफेक्ट, सोशल इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट जो हैं एल्डरली के साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो शहर आ गए, वो अकेले हैं घर पे, तो उनकी देखभाल कौन करे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से सोचना है। अभी जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, GS3 में जब हम पढ़ेंगे, जब हम गवर्नेंस पढ़ रहे होंगे या जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन से एल्डरली पे क्या इफेक्ट पड़ा है, जो बूढ़े हैं उन पे क्या फर्क पड़ा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जॉब जो है सिटीज में हो गई है, सब लोग निकल के वहां से बाहर आ गए हैं, और पीछे कौन रह गया है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज एल्डरली में कम है, तो टेक्नोलॉजिकल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया है। जो फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी के द्वारा मिल सकती है वो उन तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि उन्हें यूज करना नहीं आता, तो डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो एल्डरली के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? देन इसी में लाइफ सेटिस्फेक्शन, जिसमें 32% के आसपास हैं जो बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं, हमारी लाइफ इतनी ठीक नहीं रही, तो लाइफ सेटिस्फेक्शन उनका लो है, ठीक है? देन लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो ओवरऑल एल्डरली की केयर के लिए बनाई गई हो, जो सारी पॉलिसीज को, अलग अलग पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में लेकिन उनकी कॉम्प्रिहेंसिव कोई नहीं बनाई गई, सब अलग अलग बिखरी पड़ी है, ठीक है? तो उनको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की हमें जरूरत है, जो हमारे यहां पर है नहीं, तो बेसिकली इसकी वजह से गैप्स क्रिएट हो जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपेसिटीज में, नॉलेज रिपोजिटरीज में, ठीक है? जो बेसिकली जो एल्डरली के लिए केयर के लिए वर्ड यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं जेरियाट्रिक केयर बेसिकली, ठीक है? यहां पे आप दिखाई देगा जेरियाट्रिक इलनेस, ठीक है? ये बेसिकली GERI जहां पे भी आप देखो वो ओल्ड एज पीपल के लिए यूज किया जाता है वर्ड,
ठीक है, तो जेरियाट्रिक ट्रीटमेंट, जेरियाट्रिक इलनेस, जेरियाट्रिक केयर, ये क्या है? ओल्ड एज से रिलेटेड है, ठीक है, ये जेरियाट्रिक इलनेस मैनेजमेंट, ठीक है। देन उसके बाद ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो इन सबको कंपाइल करे, तो ऐसी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ऐसी पॉलिसी लैकिंग है इंडिया में, ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिवली देख सके कि कैसे इनका केयर रखा जाए। जैसे 2017 में देखें, ओनली 43 फिजिशियंस, यानी जो अगर हम कहें कि जो प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अवेलेबल हैं पर लैक इन रूरल एरियाज, और ज्यादातर ओल्ड एज वाले कहाँ हैं? तो 1,00,000 के ऊपर सिर्फ 43 डॉक्टर्स हैं। वहीं शहरों में अगर हम देखें तो शहर में 118 हैं डॉक्टर, तो शहर में है लेकिन गांव में नहीं है, ठीक है। तो गांव के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत हो जाती है। वहीं उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सोसाइटल, जिसे हम चैलेंजेस कह सकते हैं, जो हर एस्पेक्ट को, सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे उनकी हेल्थ को लेके हो, सोशल को लेके, इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस, हर साइड उनको इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसे सिल्वर इकोनॉमी, बेसिकली वो वर्ड है इकोनॉमी दैट इज रिलेटेड टू एल्डरली, वो सर्विसेज जो एल्डरली को दिए जानी चाहिए, उससे रिलेटेड जो इकोनॉमी है उसे हम सिल्वर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। एक वर्ड आएगा नीचे, सिल्वर इकोनॉमी कहीं लिखा होगा, ठीक है, ये यहां पर सिल्वर इकोनॉमी, ठीक है। तो एल्डरली से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जो सामान बनाया जाता है, उस इकोनॉमी को हम सिल्वर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं यहां पर, इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस, ना तो उनके पास ज्यादा जॉब्स हैं, ना ही उनके पास इन हैंड इतना रुपया बचता है कि वो अपना खर्चा खुद चला सकेंगे, जब बच्चे चले गए, ठीक है ना, तब उस टाइम पे उनके पास फाइनेंशियल कुछ नहीं है। सोसाइटल, आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं, तो सोसाइटल सपोर्ट नहीं है। हेल्थ चैलेंजेस एज के साथ, एज रिलेटेड इलनेस आ जाती है, तो ये सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं एज के साथ बढ़ते चले जाते हैं, एज के साथ ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको सरकार को शुरुआत से ही सोचना चाहिए कि जब हम उस स्टेज में होंगे जहां पर हमारे पास एल्डरली की पॉपुलेशन अराउंड 20% होगी, तब उस केस में हमें क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है। तो हर एंगल से सोच के जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो हर एंगल को सोच के बनाई जाती है, ठीक है। देन उसके बाद एक स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, ये बेसिकली बोलता है कि 75% ऑफ द एल्डरली हैव वन और मोर क्रोनिक डिजीजेस। जितने एल्डरली हैं, जितने भी बूढ़े हैं, उनमें से 75% एक या एक से ज्यादा क्रोनिक डिजीजेस उनके साथ एसोसिएटेड है, ऑलरेडी डिजीज से जूझ रहे हैं, ठीक है ऑलरेडी वो, उनको किसी न किसी तरह की बीमारी है, ठीक है। देन उसके बाद एवरी फोर्थ इंडियन ओवर 60 इयर्स रिपोर्टेड हैविंग पुअर हेल्थ, ये स्टडी बता रही है। जो भी एल्डरली है उसमें हर चौथा आदमी किसी ना किसी तरह की, मतलब उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, पुअर हेल्थ से वो जूझ रहे हैं। देन अराउंड 20% ऑफ द एल्डरली इन इंडिया हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जो स्टडी बता रही है, ठीक है। तो इस किसके लिए हमें पॉलिसीज आज ऐसी बनानी पड़ेंगी ताकि आगे जाके वो बर्डन ना लगे, तो आज से उस तरफ काम करना पड़ेगा। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, और बेसिकली इन रिपोर्ट्स का मतलब ही ये होता है कि फ्यूचर में, फ्यूचर से अवगत कराना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और एज ए सिविल सर्वेंट हमें ये चीजें पहले से सोच के चलनी पड़ेंगी कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो उसके लिए आज क्या किया जाए, ठीक है। इसीलिए प्लांड और अनप्लांड सिटी में आपको अंतर दिखेगा, प्लांड सिटी में भीड़ नहीं दिखाई देगी क्योंकि पहले से प्लान कर लिया गया, ठीक है। अनप्लांड सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर जब दिखता है भीड़ हो रही है तब उसके बाद और ज्यादा दुखी करने के लिए एक साल वहां रास्ता बंद करके पुल बनाना शुरू करेंगे, है ना। एक रोड बन गई है, रोड बन गई है उसके बाद अब क्या करें, चलो इसमें गड्ढा खोद के यहाँ पे सीवर लाइन और दबा देते हैं, ये प्लानिंग ना होने की वजह से, ठीक है। जिसके लिए हम एक स्कीम पढ़ेंगे, गतिशक्ति, ठीक है, जब हम स्कीम्स पे आएंगे तो गतिशक्ति एक स्कीम है उसके लिए जो चलती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन किया, ये रिकमेंडेशन एज इट इज आपको मेंस में आनी चाहिए लिखनी। इन्होंने एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन की बात की है,
कि इनको एम्पावर किया जाए और इंक्लूड किया जाए अलग अलग लेवल्स पे, कहां कहां पर, हेल्थ लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, डिजिटल लेवल पे, एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। यहां पर लिखा होगा इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट, सोशल डिलीवरी एंड देयर इंक्लूजन इन द हेल्थ, सोशल, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लेवल्स। कैसे कैसे, नीचे बताया है। हेल्थ एम्पावरमेंट और इंक्लूजन कैसे करेंगे, हेल्थ एम्पावरमेंट और इंक्लूजन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हेल्थ लिटरेसी अमंग सीनियर्स, उसके बारे में अवेयर करो कि कैसे आप स्वस्थ रहोगे, अच्छी हैबिट्स कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उनके जो केयर गिवर्स हैं, ये एक अलग इकोनॉमी बनेगी आगे चल के, जिसे हम सिल्वर इकोनॉमी का एक पार्ट मानेंगे, केयर गिवर्स, जहां पर जो बूढ़े लोग अकेले रह जाते हैं अपने साथ एक केयर गिवर्स को रखना शुरू करेंगे, तो ये भी इकोनॉमी का एक अलग हिस्सा बनने वाला है, सिल्वर इकोनॉमी का एक पार्ट बनेगा, ठीक है। जब हम एल्डरली से एसोसिएटेड जब इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहां पे केयर गिवर्स को भी एक हिस्सा देना पड़ेगा, वो हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो केयर गिवर्स, उनको भी अवेयर कराया जाए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस एज के साथ आती हैं, क्या क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं और उनसे कैसे टैकल किया जाता है। तो जब केयर गिवर है जो उस साइड में काम कर रहा है तो उसे इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। देन और क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग जेरियाट्रिक हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करो। हॉस्पिटल्स में ओल्ड एज पीपल के लिए अलग से कुछ वो करो ताकि वहां पर उनका इलाज अलग से किया जा सके, जो एज रिलेटेड इलनेस है उनका इलाज के लिए, ठीक है। तो इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देन उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस फॉर सीनियर्स हेल्थ सिस्टम में बनाए जाने चाहिए, जहां पर सीनियर्स के लिए स्पेशल प्रोविजन हो, ठीक है, ताकि उनको अर्ली, जैसे बोलते हैं ना कि जो एज इस एज से ज्यादा के हैं वो पहले आ जाओ लाइन में, इसीलिए किया जाता है, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजंस बनाने की जरूरत है। देन ये तो हो गया हेल्थ एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन, ऐसे ही सोशल एम्पावरमेंट और इंक्लूजन कैसे करेंगे, सोशली अवेयर किया जाए कि इनकी नीड्स क्या है, ताकि लोगों को पता रहे एमरजेंसी में कोई ना कोई तो हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अवेयरनेस आ जाएगा, जो बेसिकली कम्युनिटी को उनकी नीड्स और चैलेंजेस के बारे में पता हो, एक सपोर्ट ग्रुप गांव में बनाए जाए जो इस तरह का काम करें, या फिर पीयर सपोर्ट, पीयर ग्रुप जो बेसिकली क्या होता है, साथियों का ग्रुप होता है, आपस में ही ऐसा ग्रुप बनाए हो, ठीक है। तो सोसाइटी लेवल पे इस तरीके से कर सकते हैं। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लेवल पे कैसे करेंगे, उनकी स्किलिंग करके उनको सिखाया जाए, या फिर आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके, ठीक है ना। कैसे, लिखना आएगा नहीं, इलिटरेसी हो सकती है, तो क्या कर सकते हैं, एलेक्सा स्विच ऑन द फैन, या फिर माइक पे बोल करके टाइप कर सकते हैं, माइक पे बोल करके सब कुछ सर्च होता है, गूगल देता है ना वॉइस इनपुट। तो ये टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके उनके सपोर्ट में हम कर सकते हैं, ये सब चीजें उन्हें सिखाए जाने की जरूरत है। अब उस टाइम पे एबीसीडी नहीं सिखा सकते, लेकिन ये तो सिखा सकते हैं कि इस बटन को दबाना है, इसको कुछ भी बोलो ये उत्तर बता देंगे, है ना। तो टेक्नोलॉजी को यूज करके उन्हें ये सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी। फाइनेंशियली उन्हें मजबूत करना पड़ेगा, उसका एक तरीका है रिवर्स मॉर्गेज सिस्टम। ये रिवर्स मॉर्गेज मैकेनिज्म क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज गिरवी, जो गिरवी रखा हुआ सामान होता है उसे हम मॉर्गेज कह देते हैं, जो गिरवी रखा हुआ सामान उसे मॉर्गेज कह देते हैं। जनरली क्या होता है, जब हमें हाउस लोन लेना हो तो क्या होता है, सरकार पैसे दे देती है और हम उस लोन को भरते रहते हैं और बाद में आखिर में हमारे पास घर बच जाता है, हम पूरा लोन चुका देते हैं। यहां उल्टा है, क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि ओल्ड एज के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास फाइनेंसेस नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, उस घर के ऊपर लोन ले सकते हैं, जो घर है उसको मॉर्गेज रख के, गिरवी रख के। अब धीरे धीरे अब उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो सारा पैसा एक साथ ले लें, या महीने महीने उनको बोलें, जैसे लोन पे करते थे, बैंक को बोलें कि तुम लोन की तरह मुझे पे करते रहो, ठीक है, वो कर दिया। और उसके बाद जब फाइनली
बाई चांस किसी भी एज में उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जितना लोन उनको पे किया गया है और जितना उसकी कीमत है घर की, उसके हिसाब से अगर कोई उनका बच्चा है, कोई वारिस है, वो जाकर के चाहे तो उतना पैसा भर के उस घर को वापस छुड़वा ले, नहीं तो बैंक को बोले जो बचा हुआ पैसा मुझे दे दो। इससे क्या होगा, एल्डरली के पास पैसा आएगा, उन्हें फाइनेंशियली किसी तरफ देखना नहीं पड़ेगा। दिस इज रिवर्स मॉर्गेज सिस्टम। पहले अदरवाइज क्या होता है, लोन लेते हैं, घर बनाते हैं, घर में रहते हैं, बाद में घर बच जाता है, लेकिन यहां पर उल्टा है, घर है, लोन ले लिया, बाद में लोन भी कंप्लीट हो जाएगा और घर भी नहीं बचेगा, क्योंकि पैसे उल्टे ले रहे हैं हम। पहले तो हमने लिए थे घर बनाने के लिए, अभी पैसे यूज कर रहे हैं हम उसको, हम बैंक को नहीं दे रहे उस पैसे को। हाँ नहीं, ये है, ये हो रहा है, रिवर्स मॉर्गेज सिस्टम होता है। और जैसे सर इससे ऊपर जो पॉइंट बता रहा है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल के लिए एज की लिंक किया जाए, तो हम ओल्ड एज पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 60 इयर्स से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो वैसे जो पेंशन फंड्स होते हैं, इस तरह की स्कीम्स होती है, तो ये कहते हैं कि ये मतलब रिटायरमेंट किए जा जाते हैं, तो उसमें रीस्किलिंग करेंगे, तो फिर से मतलब उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। हाँ अभी आएंगे उसके ऊपर, उसके ऊपर भी, जैसे आप बात कर रहे हो जिनको पेंशन मिल रही है, तो उन्हें तो मिल रहा है ना कुछ ना कुछ। वो लोग जिनके पास ना जॉब है ना पैसा है, उनके लिए क्या किया जाए? कुछ मिलेगा ना, अभी हम आएंगे कि गवर्नमेंट उसके लिए कर क्या कह रही है, वो हम गवर्नमेंट स्कीम भी पढ़ेंगे कि क्या क्या है एल्डरली के लिए, लेकिन ये सब किए जाने की जरूरत है, उन्हें और ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है, और ज्यादा सोशली इंक्लूड करने की जरूरत है, लोगों के बराबर माने जाने की जरूरत है। मतलब लोग ये ना समझे कि बूढ़ा हो गया तो बोझ बन गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए है? तो वो ये सारी चीजें, ठीक है ना। जैसे कई बार हम कह देते हैं बड़ों को कि आपको क्या पता, तो उनको वो बताने की जरूरत है जिनके लिए हम उन्हें बोलते हैं कि आपको क्या पता, दिस इज रीस्किलिंग, ठीक है ना, ताकि उन्हें मुंह ना देखना पड़े किसी और का कि हाँ वो आएगा तो ये काम करेगा, नहीं उन्हें सिखाओ। और उसके लिए कैसे, टेक्नोलॉजी को हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वॉइस इनपुट से आपका पासवर्ड हो जाता है कि आपने उसकी वॉइस सुन ली, हाँ ठीक है उसी की वॉइस है, वो पासवर्ड मान लेते हैं और ट्रांजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को यूज करके उनको इतना एनेबल करना है कि वो अपने काम खुद कर सकें डिजिटली, वो डिजिटल डिवाइड जो क्रिएट हुआ है उसे कम करने की जरूरत है, ठीक है। देन उसके बाद जीएसटी में भी रिफॉर्म्स किए जाने की जरूरत है, वो प्रोडक्ट्स जो सीनियर सिटीजन के लिए बनाए गए हैं उनके ऊपर जीएसटी रेट्स कम किए जाने की जरूरत है, ताकि उन्हें वो प्रोडक्ट्स सस्ते में मिल सकें, जो उनकी केयर के लिए चाहिए वो उन्हें सस्ते में मिल जाए, तो इसलिए जीएसटी में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं डिजिटल में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है ना, उसको यूज करके, ताकि वो उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें, इफेक्टिव यूज कर सकें, क्लियर। सिल्वर इकोनॉमी में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अभी फिलहाल आज के टाइम पे अगर हम देखें टोटल एल्डरली में से 1/3 से भी कम ही जो है वो काम कर रहे हैं, 1/3 से भी कम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और जरूरत है सरकार को इस तरफ ध्यान देने की कि हम सिल्वर इकोनॉमी को, जो बेसिकली ओल्ड एज के लिए जो सर्विसेज दी जाती हैं, ओल्ड एज के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको और ज्यादा प्रचार किया जाए, उनको और ज्यादा एनकरेज किया जाए, सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। देन सरकार क्या कर रही है इस तरफ, आज के टाइम हमारी सिचुएशन क्या है, हम एल्डरली के लिए कर क्या रहे हैं, तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये स्कीम्स इकोनॉमी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि स्कीम्स क्या क्या चल रही है हमारे आसपास। तो ये क्या है कि पहले ही जब वो कमा रहे हैं उस टाइम पे उनसे कुछ सब्सक्रिप्शन अमाउंट लेकर के, बाद में उन्हें जब वो 60 साल हो जाएं उसके बाद उनको पेंशन देना शुरू कर दो, रिटर्न जॉब जिसे कहते हैं, तो सब्सक्रिप्शन से लिंक है और ये पेंशन स्कीम है बेसिकली सरकार की, बहुत कम सब्सक्रिप्शन में एक अच्छा अमाउंट उन्हें एज ए पेंशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक स्कीम होगी। दूसरी है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स,
जहां पर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उन सबको इंटीग्रेट करके देने की बात की जाती है। फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? दो तरह की स्कीम्स होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जहां पर भी लिखा हो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसका मतलब हो जाता है कि इसका सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जब हम बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो स्पॉन्सर करती है। ये अंतर क्यों आता है? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यूनियन लिस्ट में है, तो उनकी जिम्मेदारी यूनियन की है, तो जब उनके ऊपर कोई स्कीम बनती है तो सेंट्रल सेक्टर में चली जाती है। जनरली उसका सारा पैसा, क्योंकि जिम्मेदारी स्टेट यूनियन की है, तो सारा पैसा यूनियन देता है, और जो बाकी जो स्कीम्स हैं जहां पर स्टेट की भी जिम्मेदारी है उसको स्पॉन्सर्ड में डाल दिया जाता है, ताकि स्टेट भी कुछ अपना हिस्सा उसमें दे। जनरली 50-50 करते हैं, जनरली 60-40 भी करते हैं। कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं जहां पर 90-10 का अरेंजमेंट किया जाता है कि 90 पैसे सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10 पैसे स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हिमालयन जो स्टेट्स हैं हमारे, हिमाचल प्रदेश हो गया, देन आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए वहां पर, ताकि स्टेट के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, तो उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी इसका सारा पैसा कौन देगा? अभी जो आप बात कर रहे थे कि इनके लिए अलग से ऐसा कोई वेलफेयर फंड बना दिया जाए, तो ये वो स्कीम है, वयोश्री योजना। इसमें क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉइज जिनका प्रोविडेंट फंड होता है सरकार के पास है ना, बहुत सारे ऐसे अनक्लेम्ड फंड पड़े हैं जिनको क्लेम करने वाला कोई नहीं है, तो पैसा कहां जाए? तो ऐसे पैसे को सरकार क्या करती है, इकट्ठा करके एक फंड में डाल देती है। अलग अलग फंड है, तो ये 2-3 फंड है जहां पर अनक्लेम्ड पैसा है उसको इस फंड में डाल दिया जाता है, जहां पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, 2016 में ये वेलफेयर फंड बनाया गया था, तो वो पैसा इसमें डाल देंगे। इससे फिर क्या करेंगे, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब जो बूढ़े हैं, उनके जो एज रिलेटेड इलनेस है, एज के साथ साथ जो इलनेस आती है, उसके उस टाइम पे उनको असिस्ट करने के लिए पैसा काम आता है। जो बीपीएल वाले एल्डरली हैं, एज रिलेटेड इलनेस में जब उनको असिस्ट करना हो तब उस टाइम पे इस पैसे का यूज करेंगे। तो यह राष्ट्रीय वयोश्री योजना। फिर एक संपन्न प्रोजेक्ट है, बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन के जो डिपार्टमेंट के जो एल्डरली हैं, उनका पेंशन के लिए उनको चक्कर ना काटने पड़े, तो उसको कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया गया थ्रू दिस प्रोजेक्ट, ताकि उनको अपनी पेंशन के लिए चक्कर ना काटने पड़े, तो ये भी एक तरह का सपोर्ट ही है। फिर उसके बाद एल्डर सेक्रेड पोर्टल है बेसिकली, जहां पर जो 60 साल से ऊपर के सिटीजन है वो इस पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, और उसके लायक अगर कोई जॉब होगी तो वो उस जॉब के लिए जा सकते हैं, तो जॉब सर्च करने में पोर्टल उनको सर्च करता है। ठीक है, देन उसके बाद एल्डर लाइन है, कि जब भी किसी एल्डरली को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो, एक टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी किया हुआ है, और उस पर डायल करो, वो सपोर्ट मिल जाता है। क्या है टोल फ्री नंबर वो? नहीं, 14567, जिसको हम एल्डरली लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका 14567 टोल फ्री नंबर जो सरकार ने किया है, किसी भी तरह की सहायता होने चाहिए तो वो इस नंबर पर डायल कर सकते हैं, एल्डरली लाइन इसको हम बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, देन उसके बाद सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है, सेज जिसे हम बोलते हैं। यहां पर क्या किया गया है, अलग अलग स्टार्टअप्स को सरकार सपोर्ट करती है कि आप जो है कुछ एल्डरली पीपल के लिए कुछ ऐसा इनोवेटिव करो जिससे उनको सहायता मिल सके, तो ये स्टार्टअप्स को बेसिकली सहायता करने के लिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो जेरियाटिक केयर के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा इनोवेटिव करना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ इजी हो जाए, तो उनको सरकार सपोर्ट करती है। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी पता होने चाहिए एल्डरली के लिए क्या क्या हैं, तो हम पढ़ेंगे इनको नेक्स्ट, हमारी क्लासेस इन्हीं से रिलेटेड है। आर्टिकल 41, 46, देन 7 शेड्यूल में भी कुछ चीजें हैं। 41 बेसिकली आपको राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंट देता है, जहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इन केसेस ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज में उनका राइट है पब्लिक असिस्टेंस का, कि पब्लिक जो सरकार जो है उन्हें असिस्ट करेगी।
और इसीलिए बुढ़ापा पेंशन योजना चलाई जाती है, ठीक है, इसी को रियलाइज करने के लिए। देन 46 में यहां पर वीकर सेक्शंस के लिए हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आर्टिकल 46 हमने पढ़ा हुआ है जब हम रिजर्वेशन वाला पढ़ रहे थे। यहां पर वीकर सेक्शन में, इस वीकर सेक्शन में एल्डरली भी इंक्लूडेड है, ठीक है। वहीं पर जब हम सेवन शेड्यूल की बात करते हैं तो सेवन शेड्यूल में भी हम ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सोशल इंश्योरेंस से रिलेटेड वहां पर सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट में भी, कंकरेंट लिस्ट में भी है सेवन शेड्यूल में, तो वहां पर स्टेट और यूनियन दोनों की जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखने की, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा एल्डरली केयर था, तो एल्डरली केयर को वैसे भी अगर हम प्रॉब्लम्स को देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है, एल्डरली अब्यूज, ठीक है, सोशल नेगलेक्ट, ठीक है, देन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, बहुत सारे इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, ठीक है, देन उसके बाद और भी कितने कितने ही लिख लो, ठीक है, डिजिटल डिवाइड तो है, डिजिटल सपोर्ट नहीं है, ठीक है, और ज्यादातर गांव में होने की वजह से वहां तक रीच नहीं है बहुत सारी स्कीम्स की, स्कीम्स के बारे में अनअवेयरनेस है जिसकी वजह से वो लाभ नहीं उठा पाते जो उनके लिए स्कीम्स बनाई गई हैं, ठीक है। तो वो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि आप उसको किस हिसाब से डिवाइड करोगे उनकी प्रॉब्लम्स को, सोशल प्रॉब्लम अलग रखो, देन इंडिविजुअल प्रॉब्लम अलग रखो, साइकोलॉजिकल या हेल्थ प्रॉब्लम्स अलग रखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग लिखो, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम अलग लिखो, तो आपका एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है आंसर का, ठीक है, बस उस एंगल में सोचना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए लेंगे अभी क्लास रिसेंटली, जल्दी होगा, ठीक है, आंसर के लिए क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, किस 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 तरीके से सोचा जाए। अगला है टैक्स डिवोल्यूशन, फेडरलिज्म पढ़ चुके हैं, फेडरलिज्म क्या है, प्रेजेंस ऑफ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर प्रेजेंट ऑफ गवर्नमेंट एट टू लेवल्स, वेयर पावर हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन दीज टू गवर्नमेंट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, उसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको हम फेडरल प्रोविजन कहते हैं। उसमें इश्यूज हम कई सारे पढ़ भी चुके हैं, उसी का एक इश्यू हम आज पढ़ने वाले। बेसिकली कई स्टेट ने अभी रिसेंटली आवाज उठानी शुरू की है कि हम तो जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा कर रहे हैं, उसकी जगह पे जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। तो बहुत सारे स्टेट ने आवाज उठानी शुरू की, तो कहीं ना कहीं ये इशू एक उभर के आ रहा है। तो ये इशू है, इशू इन द फेडरलिज्म, तो इसको हम टैक्सेशन डिवोल्यूशन बोलते हैं बेसिकली। ये बेसिकली एक चार्ट है जो रिसेंटली दिखा रहा है कि किस स्टेट से एक रुपया अगर वो कंट्रीब्यूट करता है तो उसको कितना मिल रहा है सरकार से। तो वहां पर हम लास्ट वाला देखो, बिहार, जब एक रुपया वो कंट्रीब्यूट करता है तो उसके बदले में उसे 7 रुपए मिलते हैं। वहीं महाराष्ट्र को एक रुपया कंट्रीब्यूट करता है वापस उसे 8 पैसे ही मिलते हैं, तो अपने पैसे अपने पास क्यों नहीं रखता, है ना। इसीलिए कई स्टेट अभी आवाज उठा रहे हैं कि पैसा हम दे रहे हैं, आप फायदा बाकियों को दे रहे हो। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमें भी ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ताकि हम अपनी सर्विसेज को, अपनी फैसिलिटीज को ज्यादा अच्छा कर सकें। तो इश्यू चल रहा है ये, कहीं ना कहीं जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो कॉम्बेटिव फेडरलिज्म बनता जा रहा है, यानी लड़ाई वाला फेडरलिज्म बनता जा रहा है, ठीक है। तो उसका रीजन ये है, ये चार्ट, जहां पर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है लेकिन मिल कम रहा है, और कई स्टेट में उल्टा है, कंट्रीब्यूशन बहुत कम है मिलता बहुत ज्यादा है। तो सब बोल रहे हैं कि आप इन स्टेट को बोलो ना अपनी तरफ ध्यान देंगे, ये और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो हमें भी जो हमारा हिस्सा बांट के उनको दे रहे हो, क्या मतलब है, इक्वालिटी कहां है, ठीक है। तो ये इशू चल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हमें पढ़ना पड़ेगा टैक्स डिवोल्यूशन होता कैसे, ये हमारा टैक्स डिवोल्यूशन सिस्टम कैसे टैक्स डिवाइड किया जाता है स्टेट्स को। तो उसके लिए हम बनाते हैं फाइनेंस कमीशन, हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 280 एक फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है,
वो कुछ फॉर्मूले के द्वारा बताता है दो तरह के डिवोल्यूशन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दो तरह के डिवोल्यूशन बताएगा वो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ऐसे कि यूनियन से स्टेट को कितना जाएगा, सभी स्टेट को कुल मिला करके, और हॉरिजॉन्टल यानी इन स्टेट में आपस में कितना कितना किस किस को मिलेगा। तो ये जो डिवीजन किया जाता है, ये किया जाता है बाय द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ये फॉर्मूला बताता है कि पहली बात तो यूनियन के पास टोटल जितने पैसे आए हैं उसमें से कितना हिस्सा हमें स्टेट को देना है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां यूनियन की भी हैं, उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, कुछ स्टेट को देना पड़ेगा, और उसके बाद हर एक स्टेट को हम किसको कितना डिवाइड करें। ये दो डिवोल्यूशन या एलोकेशन फाइनेंस कमीशन हमें बताता है। इसके आधार पर अभी जो पिछला जो फाइनेंस कमीशन था, 15th फाइनेंस कमीशन, अभी लेटेस्ट 16th फाइनेंस कमीशन, अभी कुछ महीने पहले ही, एक दो महीना पहले ही एस्टेब्लिश या बना दिया गया है, जिसके हेड हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया। 16th फाइनेंस कमीशन के कौन है हेड? डॉक्टर अरविंद पनगरिया। इससे पहले जो 15th फाइनेंस कमीशन था, ये बेसिकली जो बताएंगे ये 2026 से 31 में किस हिसाब से पैसा डिवाइड किया जाएगा ये उसके लिए बताएंगे, लेकिन इससे पहले जो 15th था उसमें किस हिसाब से बताया गया था कि जो भी यूनियन के पास पैसा आएगा उसमें से 41% आप स्टेट्स को डिवाइड कर दोगे। जो भी यूनियन के पास पैसा आएगा टैक्स के जरिए, उसमें से 41% किसको दे दिया जाएगा? स्टेट्स को। अब आपस में स्टेट में कैसे डिवीजन होगा, तो उसके लिए उन्होंने कुछ फॉर्मूला निकाला। वो फॉर्मूला क्या था, किस बेसिस पे हम स्टेट में डिवाइड करेंगे, ये क्राइटेरिया रखे, ठीक है। उसमें अलग अलग बताया गया है, 11th फाइनेंस कमीशन, 12th, 13th, 14th, 15th, यानी हर एक ने अपना अपना फॉर्मूला लिया, कुछ फैक्टर्स लिए, उस फैक्टर्स के हिसाब से बताया कि जब मैं डिवाइड करूंगा तो इस फैक्टर को इतनी ज्यादा अहमियत देनी है, इस फैक्टर को इतनी अहमियत देनी है, उस हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया। और सबसे पहले बताया इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस को सबसे ज्यादा अहमियत दी, 45%। इनकम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जिस जो सबसे अमीर स्टेट है उससे कितनी दूरी है सबसे गरीब स्टेट की, यानी जो सबसे अमीर स्टेट है उसके बाद जो उससे अगला स्टेट है तो दूरी कम है, यानी उसे थोड़ा सा कम दो, अमीर को तो कम दो क्योंकि उसके पास पैसा है, जो सबसे ज्यादा गरीब है उसे ज्यादा दो क्योंकि इनकम डिस्टेंस ज्यादा है। तो एक स्टेट को ये एज ए मॉडल मान लेते हैं और उस स्टेट के हिसाब से बाकियों में डिवाइड करते हैं। जो सबसे अमीर है उसको मॉडल मान लिया और उसके बाद डिवाइड किया। अभी लेटेस्ट हमने हरियाणा को मॉडल माना हुआ था, हरियाणा के हिसाब से बाकियों में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में भी सबसे आगे आई हरियाणा, है ना, ठीक है। देन उसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक फैक्टर था। 14th फाइनेंस कमीशन तक 1971 के सेंसस में जो पॉपुलेशन थी हम उसके हिसाब से डिवाइड करते थे, जिसके पास जितनी पॉपुलेशन उसके पास उतना ज्यादा पैसा देते थे। लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला नहीं, हम 2011 के सेंसस को मानेंगे। इससे हुआ क्या, कई स्टेट जो ये बोलते हैं कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इतने तरीके अपनाए और आज हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया और उसकी वजह से हमें कम पैसे मिल रहे हैं, यानी हमें भी कंट्रोल नहीं करना था, तुम्हें हमें प्राइस देना चाहिए, उल्टा तुम हमें सजा दे रहे हो, ठीक है। तो ये एक आरोप लगता है बेसिकली जब हम फेडरलिज्म में इश्यूज की बात करते हैं, तो टैक्स डिवोल्यूशन में इश्यूज की बात करते हैं, तो ये क्या आरोप है उन स्टेट का जो कंट्रोल कर पा रहे हैं पॉपुलेशन को, जैसे सदर्न स्टेट्स जो हैं, हमारे साउथ के जो स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है तो इसकी वजह से उन्हें कम मिल रहा है, इसीलिए 1971 के ऊपर रखे हुए थे, क्योंकि 1971 तक सभी एक ही स्पीड से बढ़ रहे थे। 14th फाइनेंस कमीशन तक 1971 की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे थे, लेकिन 2011 में जब 2011 की सॉरी 15th फाइनेंस कमीशन में जब 2011 की पॉपुलेशन को काउंट किया तो सभी स्टेट बोले कि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल करने का फायदा क्या हुआ, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हें भी रिवार्ड करेंगे
और उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ डिवोल्यूशन किया। बाकी में देखो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं है, इसमें आपको दिखाई देगा 12.5%। यानी जो डेमोग्राफिकली खुद को इंप्रूव कर पाए उसके हिसाब से भी हम पैसा देंगे। जो इस तरह की पॉलिसीज ला पाए, पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाए, सोशली इंप्रूव कर पाए, उसके हिसाब से भी पैसा मिलेगा। तो इन्होंने एक फैक्टर इसको भी माना। और उसके बाद टैक्स एफर्ट, कि जो ज्यादा टैक्स कलेक्शन करेगा उसको भी रिवार्ड मिलना चाहिए ना, तो उसको भी टैक्स एफर्ट के हिसाब से 2.5% की अहमियत दी गई कि जब हम फॉर्मूला अपनाएंगे तो तुम्हें भी थोड़ा ध्यान दे लेंगे। उसके अलावा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, कि कौन एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा है तो एनवायरमेंट को भी ध्यान देना जरूरी है, तो उसके हिसाब से भी हम कुछ पैसा देंगे। और एरिया, कि जिसका जितना बड़ा एरिया उसे उतना पैसा भी मिलेगा, क्योंकि एरिया के हिसाब से पैसा खर्च होता है। तो ये फॉर्मूले में कुछ फैक्टर्स हैं जो काउंट करते हैं जब हम स्टेट में डिवीजन करना हो। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने इस हिसाब से इनको डिवाइड किया था। अब 16th का क्या फॉर्मूला आएगा, जब वो आएगा तब देखेंगे। अभी पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया है कि 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन का जो टैक्स का जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें डिफरेंसेस बताओ। तो उस टाइम पे हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि 14th फाइनेंस कमीशन ने किस किस आधार पर टैक्स डिवाइड किया था और 15th ने किस किस आधार पर। तो ये टेबल हमें वो डिफरेंस बताती है। ये कई बार पीछे क्वेश्चन आया मेंस में, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे डिवाइड होता है, समझ में आ गया। तो जब 14th फाइनेंस कमीशन दे रहा था, वो स्टेट को दे रहा था 42%, लेकिन 15th ने कितना दिया, 41। क्यों, 1% कम क्यों किया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो अब यूटी बन गया, वो यूनियन की जिम्मेदारी हो गया, तो उसके लिए देने की जरूरत नहीं है। तो बाकी बचे हुए स्टेट को उन्होंने 41% डिवाइड किया, एक स्टेट कम हो गया था। क्लियर। अब जो कंसर्न्स हैं टैक्स डिवोल्यूशन के रिगार्डिंग, कि 41% हमें डिवाइड करना है, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। क्या, कि जो हम टैक्स डिवाइड करते हैं ना, जब टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर टैक्स के साथ साथ दो तीन चीजें और होती हैं। एक होता है सेस और एक होता है सरचार्ज। जब टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो टैक्स के साथ साथ सेस और सरचार्ज भी कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और फाइनेंस कमीशन को यह पावर नहीं है कि वो इन दोनों को भी डिवाइड करे। तो ये तो यूनियन के पास एक्स्ट्रा गया, इसका कोई डिवीजन ही नहीं हो रहा। स्टेट बोलते हैं इसमें से भी तो डिवाइड करो, ये भी तो हमारे लोगों से लिया है, लेकिन इसका कोई डिवीजन नहीं होता सेस और सरचार्ज का। अप्रोक्सीमेटली 23% या 24% के आसपास तो यही पैसा है, इसमें कोई डिवाइड ही नहीं कर रहा, ठीक है। हालांकि पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी डिटेल में, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है। उसके बाद इनएडिक्युएट कंपनसेशन फॉर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया। जीएसटी में, जीएसटी है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या, जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको मिला करके एक टैक्स के अंडर ले आए। इसमें कमाल की बात यह है कि ज्यादातर टैक्सेस वो स्टेट की पावर में थे, अब स्टेट उनको कलेक्ट कर रहा था, स्टेट उनको यूज कर रहा था, यूनियन ने बोला कि जीएसटी अपनाओ, हम एक साथ कलेक्ट करेंगे। अब स्टेट से उनकी फाइनेंस की जो पावर है वो छीन ली, थोड़ी बहुत ही छीनी हो लेकिन छीनी ना कुछ। तो उसके बदले में जब जीएसटी लाया गया, क्योंकि जीएसटी स्टेट लिस्ट में आएगा, स्टेट लिस्ट अफेक्ट कर रहे हैं, तो स्टेट को हां बोलना पड़ेगा जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए। तो स्टेट तभी हां बोलेगा जब उसे अपने फायदे की बात लगेगी, यहां तो स्टेट का नुकसान हो रहा है तो स्टेट ने हां क्यों बोली। तो स्टेट ने इसलिए हां बोली कि तुम्हारा जो टैक्स आता था जीएसटी लागू होने के बाद जो कम होगा उतना हम तुम्हें एक्स्ट्रा देंगे, यानी कंपनसेट करेंगे, जीएसटी कंपनसेशन देंगे अगले आने वाले 5 सालों तक। अब स्टेट शिकायत कर रहे हैं कि जितना मिलना चाहिए था वो तुमने दिया ही नहीं, इनएडिक्वेट कंपनसेशन जीएसटी। तो ये भी एक इशू है। और क्या इशू है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन फंड यूटिलाइजेशन इन लोकल फंड्स। लोकल
लोकल फंड्स कौन से हैं, जो म्युनिसिपैलिटी के लिए या पंचायत के लिए जो फंड्स यूनियन से स्टेट को दिए जाते हैं कि ये तुम यूनियन और सॉरी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में खर्च कर लेना। इन फंड में दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं टाइड फंड्स और एक होते हैं अनटाइड फंड्स। ये टाइड कौन से होते हैं, जो बंधे हुए होते हैं कि आप इस पैसे को सिर्फ यहीं खर्च कर सकते हो, यानी यहां स्टेट के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई है कि वो कहां खर्च करेंगे, तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। पैसा आपने पहले ही बता दिया, हम पैसा दे रहे हैं इसको यहां खर्च करो, और ज्यादातर हिस्सा टाइड फंड्स का है इसमें, तो ये भी इशू है कि आप पैसे दो, हम देखेंगे ना कहां खर्च करना, वो हमारी जिम्मेदारी है, आप क्यों बता रहे हो कि इसको यहां खर्च करो। ठीक है, तो किया क्या जाए, सॉल्यूशन क्या है, कुछ सॉल्यूशन तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ये फ्रेमवर्क बना हुआ है फिस्कल फेडरलिज्म का, फिस्कल डिवॉल्यूशन का, इसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसको दोबारा से स्टेट्स के साथ बैठ करके एक ढंग से एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। तो रिव्यू ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म फ्रेमवर्क, गैप्स को आइडेंटिफाई करो कि कहां कमी है, कहां कहां इनएफिशिएंसीज हैं, ताकि हम उसे दूर कर सकें। ठीक है, तो ये जरूर है। अभी 16 फाइनेंस कमीशन बैठा है, तो उस टाइम पे भी हमें जब आप अपने आप सोचो तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि 16 फाइनेंस कमीशन को किस किस डायरेक्शन में काम ज्यादा करने की जरूरत है ना। तो यही गैप्स हैं, ये इनएफिशिएंसीज है जिसको दूर करेंगे वो। ठीक है, तो उस हिसाब से सोचना है, क्या पता क्वेश्चन आ जाए कि 16 फाइनेंस कमीशन के लिए आप क्या क्या रिकमेंड करोगे, कि उसको क्या क्या काम दिया जाए, किस हिसाब से वो दूर कर सकता है, यानी चैलेंजेस को कैसे दूर करें। ठीक है, और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके आधार पर इंसेंटिव दिए जाए। आपने सिर्फ दो जगह परफॉर्मेंस इंसेंटिव दिए, टैक्स एफर्ट में और दूसरा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में, बोले इस इंसेंटिव वाले उसको वाइड करने की जरूरत है। अलग अलग जगह पे भी, अगर अलग अलग फील्ड में भी कोई अच्छा कर रहा है तो वहां पे भी इंसेंटिव दिए जाए, सिर्फ दो ही जगह तक इसको लिमिटेड ना रखा जाए। तो इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, इंसेंटिव देने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस लेके आ रहा हो, चाहे ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हो, चाहे डेवलप अच्छा कर रहा हो, तो किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहा हो तो उसको उतना ही इंसेंटिव दो ताकि वो और ज्यादा अच्छा करे। ठीक है, और लास्ट स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं उनको और ज्यादा मजबूत करो। जैसे एक एग्जाम्पल है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका काम है ऑडिट करना, तो उसको मजबूत करो कि वो बिना किसी के दबाव में अच्छे से ऑडिट करे और एक अच्छी रिपोर्ट हमारे सामने लाए जिसके आधार पर हम एक्शन। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी न्यूज थी। चौथी न्यूज क्या है, लैब ग्रोन डायमंड्स, लैब में भी डायमंड्स को ग्रो किया जा रहा है। और ये जो डायमंड है जो नेचुरल प्रोसेस से निकाले जाते हैं, ये और ये बिल्कुल सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, दोनों डायमंड सेम है, यानी लैब से भी डायमंड्स को ग्रो किया जा सकता है। कैसे, अर्थ से जो डायमंड बनने की प्रोसेस है उस प्रोसेस को लैब में थोड़ा फास्ट कर दो। अर्थ में कैसे बनते हैं, कार्बन जमीन के नीचे दबता चला जाता है, लाखों साल होते होते बहुत नीचे दब जाता है, नीचे जाता है तो अंडर द कंडीशंस ऑफ हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर, तो उसमें वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो हीट एंड प्रेशर की कंडीशन अगर लैब में दे दे तो लैब में बन जाएगा, उतना ही जल्दी बन जाएगा, और वो कंडीशन ये डेवलप करने में कामयाब हुए हैं। और दो तरह की प्रोसेस हैं जिससे वो डायमंड बनाया जाता है लैब में, क्या क्या है, सबसे पहली है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड, और दूसरी है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। पहला है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्या चाहिए होगा, सबसे पहले बीज चाहिए, सीड चाहिए, कोई भी चीज उगाने के लिए सीड चाहिए। यहां सीड किसको बोला है, सीड बोला है एक दूसरे डायमंड के छोटे से हिस्से को, एक छोटा सा टुकड़ा ले लो डायमंड का, वो रखो पहले लैब में। उसके बाद जो पहले वाला मेथड है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, इसमें क्या करेंगे,
क्योंकि कार्बन से बना है, तो प्योर ग्रेफाइट जो कार्बन का एक प्योरेस्ट फॉर्म हो गया, प्योर ग्रेफाइट उसके आसपास रखो और उस सब को मिला करके उसको 1500 डिग्री सेल्सियस और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में लैब में रखो, वहां डायमंड बन जाता है, वो ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरा तरीका केमिकल वेपर वाला, ठीक है, केमिकल वेपर डिपोजिशन, जहां पर वेपर्स डिपॉजिट होते हैं उसके ऊपर, कैसे होते हैं, वही सीड रखो, सीड के आसपास उस चैम्बर में 800 डिग्री सेल्सियस पे हम कार्बन रिच गैसेस फिल करके डाल देंगे, और जब वो इतने डिग्री पे उस पर रहेंगे वो गैस धीरे धीरे डिपॉजिट होती रहेंगी उस सीड के ऊपर और डायमंड का रूप लेती रहेंगी। ये दो तरीके से बनाया जा रहा है, जो जो एप्लीकेशन डायमंड की है वो इस सब की है, ठीक है। डायमंड की क्या क्या एप्लीकेशंस है, एस्थेटिक पर्पस के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, अलग अलग जगह यूज होता है, ठीक है, तो वही इसमें भी हो सकती है। सिग्निफिकेंस, लैब ग्रोन डायमंड का क्या है, आज के टाइम पे लैब ग्रोन डायमंड का क्या सिग्निफिकेंस हो जाता है बताओ। एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत लार्जली कम हो जाता है। इस डायमंड को निकालने के लिए माइनिंग का प्रोसेस है, वो माइनिंग में जमीन खोदनी पड़ रही है, एनवायरमेंट इंपैक्ट हो रहा है, फॉरेस्ट जमीन भी खोदते हैं, नीचे से पॉल्यूशन वाली जो मीथेन गैस और ये सारी गैसेस निकलती हैं वो एनवायरमेंट को इंपैक्ट करती हैं, उसके बाद बहुत सारी मेहनत भी इसमें लगती है, लेबर अब्यूज होता है, तब जाकर के डायमंड निकलता है। इसमें इन सब चीजों से बचा जा सकता है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो लेसर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, कि जो एनवायरमेंट पे जो इंपैक्ट पड़ता है, फुटप्रिंट क्या है, छाप, एनवायरमेंट पे डायमंड को निकालने के लिए जो छाप पड़ती है यानी जो इफेक्ट होता है वो नहीं पड़ेगा इससे। दूसरा, एक्सट्रैक्टिंग ए नेचुरल डायमंड टेक्स 10 टाइम्स मोर एनर्जी देन क्रिएटिंग वन, किसी को निकालना है तो उसके लिए 10 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारा 10 गुना कम एनर्जी में काम चल रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी इसका भी इंपैक्ट कम पड़ेगा एनवायरमेंटली। देन एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स मूविंग टन्स ऑफ अर्थ एंड रॉक, वहां से निकाल करके अलग अलग जगह, तो अर्थ पे वो जो इंपैक्ट होता है वो भी बचेगा, ठीक है। अब ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उसके सिनेरियो को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड में जितना भी डायमंड हम नीचे से निकालते हैं उसमें 90% डायमंड्स का पॉलिशिंग का काम इंडिया में होता है। वर्ल्ड में जितना भी डायमंड निकाला जाता है 90% ऑफ द डायमंड उसकी पॉलिशिंग का काम इंडिया के सूरत में होता है, ठीक है, तो सूरत इस चीज के लिए जाना जाता है, गुजरात। तो यहां पर कटिंग और पॉलिशिंग होती है उन डायमंड्स की, जो निकालते हैं उसे हम रफ डायमंड्स बोलते हैं, जो हम निकालते हैं रफ डायमंड्स बोलते हैं, उनकी कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में इंडिया में की जाती है 90%। सबसे ज्यादा डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर हम देखें तो रशिया, बोत्सवाना, कनाडा, साउथ अफ्रीका और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, यहां से निकलते हैं। अब हम बात करते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स को, अगर हम आज के टाइम पे देखें तो कितना ये बढ़ चुका है इनका एक्सपोर्ट, तो हम देखेंगे 2019 से 22 के बीच बीच में 3 गुना हो गए। 2019 से 22 का की देखें तो 3 गुना एक्सपोर्ट लैब ग्रोन डायमंड्स का बढ़ चुका है, क्यों, अफोर्डेबल, और वो इश्यूज नहीं है जो उसके साथ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज, लेबर अब्यूज, वो इश्यूज इसके साथ नहीं है, तो एथिकल भी, ठीक है। देन ब्लड फ्री डायमंड्स बोला जाता है इनको, क्यों बोला जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, जो लेबर अब्यूज वहां हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वो इसमें नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में है। अगर हम देखें कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर कहां हो रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स को समझें तो जहां जहां लड़ाई हो रही है वो तो किसी ना किसी वजह से होती है, कुछ इशू होता है उसके पीछे। कॉन्गो अभी हमने पढ़ा डायमंड ग्रोइंग है,
और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहां। तो बहुत सारी जगहें जहां पर डायमंड है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट में उस डायमंड को निकालना लेबर अब्यूज तो 100% होगा, इसीलिए इनको ब्लड डायमंड्स बोला जाता है। और ये जो लैब में बनाए गए इन्हें हम ब्लड फ्री डायमंड बोलेंगे या कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड बोलेंगे। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड है कि नहीं इसको बताने के लिए एक एजेंसी है जिसे हम बोलते हैं किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। ये कुछ कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज आपस में आई ये बताने के लिए कि इस डायमंड को निकालने में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं है, कोई ह्यूमन राइट अब्यूज तो नहीं हो रहा है, यानी ये जो डायमंड है ये सेफ तरीके से निकाला गया है, तो उसके लिए जो सर्टिफिकेशन है वो एक किम्बरले प्रोसेस से आता है। ये वो बताती है कि ये जो डायमंड है दिस इज कॉन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड। ठीक है, ये इंटरनेशनली ग्लोबली एक इनिशिएटिव है, कुछ देश मिलकर इसको करते हैं, ठीक है, ताकि उसको कहीं पे भी भेज पाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो जाता है फिर। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिकली और क्या है, मार्केट शेयर अगर हम देखें तो अभी फिलहाल इंडिया में मार्केट शेयर देखें तो 3.5 है, जो कहीं ना कहीं 2023 तक 18 ये सॉरी उसका है लैब ग्रोन डायमंड्स का मार्केट शेयर बता रहा हूं। लैब ग्रोन मार्केट शेयर अगर हम देखें डायमंड्स का तो 3.5 से 2023 में 18.5% तक आ चुका है डायमंड्स में। तो इतना इसका राइज हो रहा है बनने में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, और कहीं ना कहीं 2024-25 तक 20% तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ये कंसर्न्स हैं जिसके बारे में बात कर चुका हूं। डायमंड्स पहला तो ब्लड डायमंड्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में निकाले जा रहे हैं, ह्यूमन राइट अब्यूजेस हैं बहुत सारे, अनएथिकल रीजंस बहुत सारे एसोसिएटेड हैं। देन उसके बाद लेबर कंडीशंस बहुत पुअर हैं, लेबर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। देन उसके बाद क्या क्या है, पुअर वर्किंग कंडीशन, लो वेजेस, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, चाइल्ड लेबर, ठीक है। देन उसके बाद एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद डायमंड ट्रेड कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से रिलेटेड भी है, इनको ऐसे ही इलीगल तरीके से बेचा जाता है और उससे जो पैसा आता है टेरर फाइनेंसिंग ऐसी जगह पे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव अभी 5-year रिसर्च ग्रांट आईआईटी मद्रास को बेसिकली सरकार ने दिया है, जो वहीं पर एक लैब भी बनाने की बात चल रही है, इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स, ताकि इस चीज को हम और ज्यादा हार्नेस कर सकें और इस साइड में हम और ज्यादा एक्सेल कर सकें। डायमंड ग्रोन जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उस फील्ड में हम और ज्यादा तरक्की कर सकें, तो आईआईटी मद्रास को इसका जिम्मेदारी दिया गया है और उसी को फंड एलोकेट किए हैं सरकार ने और वहीं पर यह लैब बनाने की बात चल रही है। ठीक है, और अगर हम देखें तो कस्टम ड्यूटी बहुत डिक्रीज कर दी गई है इसमें लैब ग्रोन डायमंड सीड्स पे, क्योंकि बिना सीड के बनेगा नहीं, है ना, तो सीड अगर ला रहे हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जिसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी बेसिकली आते टाइम जो टैक्स देना पड़ता है वो 5% से भी घटा करके 0 कर दिया, ताकि उस पे सस्ते में आ जाए, हम यहां बनाए और फिर दुनिया को बेचें। ठीक है, फिर एक न्यूज में था सुदर्शन सेतु, ओखा द्वारका बेट ब्रिज, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज, केबल स्टेड वैसे नहीं लॉन्गेस्ट, केबल स्टेड का मतलब हो जाता है कि इन केबल्स के ऊपर टिका हुआ है, यहां पर जो केबल्स दिखाई गए यानी नीचे कोई सपोर्ट नहीं है इनको, केबल्स के ऊपर हो, ठीक है, ऊपर एक पिलर बना दिया, इधर से केबल खींच खींच के उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज अगर हम देखें तो सुदर्शन सेतु अभी रिसेंटली बनाया है, कहां बनाया है, द्वारका, कहां है द्वारका, गुजरात में, गुजरात में, ये द्वारका बेट बेसिकली आइलैंड है जो उस कोस्ट पे सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, इसके बारे में अगर हम देखें गुजरात के इस कॉर्नर पे, यहां पे ओखा डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, ये जो है ना ये बेट द्वारका, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, तो यहां से इसको कनेक्ट करने के लिए सुदर्शन सेतु बनाया गया है। क्लियर है? हाँ, तो यहां पर बनाया गया सुदर्शन सेतु बेसिकली। क्लियर है? जो लार्जेस्ट ब्रिज है इंडिया का वो अटल सेतु,
इंडिया का जो लार्जेस्ट ब्रिज है वो है अटल सेतु, 21.5 किलोमीटर लॉन्ग। उसमें से 16.5 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर वो ओशियन के ऊपर है, सी के ऊपर है, मुंबई में जो बना है लार्जेस्ट अटल सेतु, उसमें से सिर्फ सी के ऊपर ही 16.5 किलोमीटर है। टोटल उसकी लेंथ है 21.5 किलोमीटर। अभी जो रिसेंटली चर्चा में था, एक दो महीने पहले ही, ठीक है, तो वो सी के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली 900 मीटर है केबल स्ट्रेट जो है, वैसे तो लंबाई ज्यादा है केबल वाले के बीच में 900 मीटर है, तो लॉन्गेस्ट केबल स्ट्रेट ब्रिज हो गया इंडिया का ये, जिसको हम द्वारका बेट से भी बोल देते हैं, ओखा द्वारका बेट को ज्वाइन करता है, और इसका दूसरा नाम सुदर्शन सेतु है। बस हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, सुदर्शन सेतु कहाँ है, अटल सेतु कहाँ है, ठीक है, क्योंकि नाम से वैसे तो पता लग जाएगा सुदर्शन द्वारका, क्योंकि सुदर्शन चक्र होता था ना, ठीक है। और ये नेशनल हाईवे 51 का ही एक पार्ट है ब्रिज। अगला जो है वो भी सिर्फ नाम के लिए पता होना चाहिए कि इसका नाम इंपॉर्टेंट है, रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग क्या है, दिल्ली में एक बेसिकली अगर हम कहें एजेंसी है जिसे हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं, यहीं लिखा हुआ नीचे, हाँ ये थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिल करके ये कंडक्ट कराती है रायसीना डायलॉग। इसमें बहुत सारे इश्यूज, मल्टीपल इश्यूज, जियोपॉलिटिकल, सिक्योरिटी, जियो इकोनॉमिक, हर इशू के ऊपर बैठ के ऊपर चर्चा होती है इसके ऊपर। और यहां पर जो इसमें आते हैं ये अलग अलग फील्ड के हैं, पॉलिटिक्स से भी आएंगे, इंडस्ट्री से भी आएंगे, एकेडमिक से भी आएंगे, सिविल सोसाइटी वाले भी आएंगे, एनजीओ वाले भी आएंगे, तो मल्टीपल फील्ड के लोग यहां पर आकर चर्चा करते हैं अलग अलग जियो पॉलिटिक्स पे, जियो इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं हमने कॉन्सेप्ट लिया है संग्रीला डायलॉग से, तो संग्रीला डायलॉग भी पता होना चाहिए क्या है। जैसे रायसीना डायलॉग इंडिया में है, ऐसे संग्रीला डायलॉग होता है सिंगापुर में। और ये किस चीज के लिए है, ये सिक्योरिटी इश्यूज के लिए है। ऐसे ही एक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होता है जर्मनी में, म्यूनिक, ठीक है, ये किस चीज के लिए होता है, फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इसको डिस्कस करने के लिए। और ऐसे ही एक और चीज है जिसको हम ओस्लो फ्रीडम फोरम बोलते हैं, जहां पर ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, इसके लिए ऑन एनुअल कॉन्फ्रेंस है, जहां अलग अलग सेक्टर के लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं उन चीजों को डिस्कस करने के लिए। तो रायसीना डायलॉग आपको कई बार दिखाई देगा। रायसीना हिल्स क्या है, रायसीना हिल्स याद करो, कुछ तो पता होगा, हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है वो रायसीना हिल्स के ऊपर बना हुआ है, हमारा प्रेसिडेंट हाउस रायसीना हिल्स के ऊपर, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली वाला है, वो रायसीना हिल्स से लेके नीचे तक जाती है, वो रायसीना हिल्स अरावली पर्वत का ही एक पार्ट है, अरावली माउंटेन्स का एक पार्ट है, जहां पर प्रेसिडेंट हाउस। ठीक है, तो ये कुछ वैसे नाम पता होने चाहिए इनके क्या है। अगली न्यूज है बेसिकली एफडीआई से रिलेटेड इन स्पेस इंडस्ट्री, ठीक है, एफडीआई इन स्पेस इंडस्ट्री। एफडीआई पहले बता चुका हूं, 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफडीआई कहलाता है, 10% से कम इन्वेस्टमेंट एफपीआई कहलाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी ये 10% से ज्यादा होगा। यहां पर स्पेस सेक्टर की बात की जा रही है। स्पेस इंडस्ट्री में रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अप टू 100% एफडीआई अलाउ किया है,
स्टेट सॉरी यूनियन गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर में अप टू 100% एफडीआई अलाउ किया है। यानी स्पेस सेक्टर में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उन अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग परसेंटेज डिसाइड कर लिया है कि यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतने तक पॉसिबल है। पहले ये जो स्पेस सेक्टर था ये कंप्लीटली यूनियन के अंडर था। पहले कुछ थोड़ा सा ओपन किया प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ओपन कर दिया है रिसेंट एफडीआई अमेंडमेंट के द्वारा। जहां पर अगर हम देखेंगे तो कुछ जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या सैटेलाइट ऑपरेशंस हो गया, या सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट हो गया, ग्राउंड सेगमेंट यूजर सेगमेंट जो सैटेलाइट का है, यहां पर 74% तक एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट अवेलेबल है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब हो जाता है सरकार से नहीं पूछना, इन फील्ड में आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो वहां पर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाना है तो। देन उसके बाद सेकंड आएगा जहां पर 49% तक ऑटोमेटिक रूट से एप्लीकेबल है, तो वो क्या क्या है, आपका लॉन्च व्हीकल्स, एसोसिएटेड सिस्टम या सबसिस्टम जो लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड है, एंड क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स। पोर्ट क्या होता है, एयरपोर्ट क्या होता है, एयरपोर्ट क्या है, जहां पर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, तो जहां ये स्पेस के लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं उसे स्पेस पोर्ट बोलेंगे। तो स्पेस पोर्ट हो गया है, लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड कुछ भी है तो वहां पर 49% तक अलाउड है। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो उस गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही कई फील्ड जहां पर पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स की बात आ जाती है या सैटेलाइट के सब सिस्टम्स की बात आ जाती है, वहां पर अगर हम देखना हो तो 100% गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। क्यों करती है गवर्नमेंट अलाउ, गवर्नमेंट ने अपने पास ही क्यों नहीं रखा, डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट आएगी, प्राइवेट माइंड आएगा, उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी, तो ये फील्ड और ज्यादा डेवलप हो सकेगा। अभी फिलहाल देखेंगे तो स्पेस एजेंसीज में इसरो का बहुत बड़ा नाम है, पांचवे छठे नंबर पे हमारी स्पेस एजेंसी आ जाती है, मंगलयान, जहां पर हमने साउथ पोल पे मून को उतारा, जहां पर 2 हफ्ते पहले ही रशिया का एयरक्राफ्ट फेल हो गया था, हमने वहां सक्सेसफुली लैंड करवाया, चौथा देश बना इंडिया। आदित्य स्पेस में सन को रीड करने के लिए हमने एयरक्राफ्ट सैटेलाइट छोड़ी हुई, गगनयान, ठीक है, मंगलयान जिसे हम कहेंगे, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, ठीक है। तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है हमारे पास इसरो के पास, ये सक्सेस स्टोरीज और ज्यादा बढ़े, इंडिया में भी SpaceX जैसी कोई कंपनी बने इसके लिए जरूरी है। अभी रिसेंटली शायद पिछले न्यूज में ही हमने पढ़ा था कि एक प्राइवेट कंपनी ने अपना लैंड अपना जो सैटेलाइट है लैंड रोवर है वो साउथ पोल पे लैंड करवाया, जहां पर स्टेट नहीं करवा पा रहा वहां प्राइवेट कंपनी ने करवाया। तो इंडिया में भी ऐसी कंपनीज की जरूरत है, तो उसके लिए कैसे पॉसिबल हो, तो ये रूट ओपन करना पड़ेगा जो क्लोज था, जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे वहां ये रूट ओपन किया गया। इसके लिए इसरो की 2 आर्म है, एक है इन स्पेस, आगे पढ़ोगे, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, और दूसरा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये दोनों क्या है, इन स्पेस प्राइवेट बॉडीज को हेल्प करती है ये सब चीज करवाने में, उनको सपोर्ट करती है। तो जब इसरो को प्राइवेट फील्ड में सपोर्ट करना तो इन स्पेस काम करती है, और इसरो क्योंकि सिर्फ स्टेट का काम कर रही है, लेकिन इसरो के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो कमर्शियलाइज भी कर सकती है चीजों को, बाहर से बिजनेस लेके आ सकती है कि तुम्हें अपना सैटेलाइट भिजवाना है, लाओ हम भिजवाते हैं, बिजनेस लाना है, तो बिजनेस लाने के लिए कमर्शियल एजेंसी बनाई इसरो ने, जिसको हम बोलते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये इंडिया की इसरो की कॉमर्शियल एजेंसी है, अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं इसे, ANTRIX, ठीक है। तो ये कुछ एजेंसीज हमें पता होनी चाहिए।
और एफडीआई अलग अलग फील्ड में कुछ कुछ परसेंटेज तक अलाउड है, मेन मेन फील्ड में हमें पता होना चाहिए। जैसे स्पेस एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, तो यहां पता होना चाहिए कितना अलाउ है कितना नहीं है, ठीक है। सैटेलाइट रिलेटेड उसमें होगा तो हमारा 74% है, देन उसके बाद लॉन्चिंग व्हीकल या फिर स्पेस पोर्ट से रिलेटेड है तो 49%, और जो कंपोनेंट या सब सिस्टम बनाने की बात आ जाए सैटेलाइट के तो वहां पर 100% अलाउड है। क्लियर है? कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एफडीआई प्रोहिबिटेड है, जहां एफडीआई अलाउ ही नहीं करती इंडिया। क्या क्या है? जैसे गैम्बलिंग, बेटिंग, चिट फंड्स, रियल एस्टेट बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, लॉटरी बिजनेस, ये वो हैं जहां पर अगर प्राइवेट को अलाउ कर दें तो इसके सोसाइटी पे बहुत गलत प्रभाव पड़ते हैं। लॉटरी बिजनेस, चिट फंड स्कैम्स, गैम्बलिंग, तो ये इनके एडवर्स इंपैक्ट पड़ते हैं सोसाइटी पे, इसलिए यहां पर पे हम इतना ज्यादा इसको ओपन नहीं करते सेक्टर्स को, ठीक है। क्लियर है? देन उसके बाद और भी है जहां प्राइवेट सेक्टर भी अलाउड नहीं है, यहां तो एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन जहां प्राइवेट सेक्टर ही अलाउड नहीं है, चाहे वो इंडिया का ही क्यों ना हो, वो भी सेक्टर्स हैं, जैसे एटॉमिक सेक्टर, रेलवे में कुछ हिस्से प्राइवेटाइज किए हैं, कंप्लीट नहीं, क्योंकि लार्ज पब्लिक को इंपैक्ट करते हैं, तो यहां प्राइवेट भी अलाउड नहीं, ठीक है। तो जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हमें हमारे सेक्टर्स का, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कोई भी सेक्टर, उसका ये आइडिया होना चाहिए कि यहां पर कितना अलाउड है इन्वेस्टमेंट, यहां प्राइवेट पार्टी अलाउड है कि नहीं, है तो कितनी अलाउड है, तो वो उस हिस्से से, उस हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन आ गया है फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि समटाइम्स हर्ड इन द न्यूज द टर्म फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया, व्हाट इज दिस? तो दिस इज अ टाइप ऑफ टोबैको, पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ टोबैको। इंडिया में 10 अलग अलग तरह के टोबैको उगाए जाते हैं, इंडिया में 10 अलग अलग तरह के टोबैको उगाए जाते हैं, 15 स्टेट में उगाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ सिगरेट के टाइप्स होते हैं, जिनको सिगरेट में यूज किया जाता है, कुछ नॉन सिगरेट टाइप के होते हैं, जैसे च्युइंग, जो चबाने वाला तंबाकू हो गया, हुक्का वाला हो गया, वो सारे, ठीक है। तो अलग अलग तरह के 10 लगभग अलग प्रकार के तंबाकू उगाए जाते हैं, जिनमें से एक है फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया। बेसिकली क्या है, इसको क्योर किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि एक स्टैंडर्ड हमारे पास उसकी जो टोबैको है वो वैरायटी आ सके। एक स्टैंडर्ड वैरायटी बनाने के लिए उसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, उसको क्योर करते हैं, ठीक है। तो क्योरिंग क्या है? क्योरिंग प्रिपेयर्स हार्वेस्टेड टोबैको फॉर मार्केट बाय स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोसेस टू अचीव डिजायर्ड लीफ क्वालिटीज एंड रिमूव द मॉइस्चर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको करते हैं। तो अगर हम देखें तो जनरली जो टोबैको है वो हमारी खरीफ क्रॉप हो जाती है, रेन फेड क्रॉप है, और ज्यादातर रेड सैंडी लोम सॉइल्स जो होती हैं वहां पर इसको उगाया जाता है, ठीक है। गुंटूर है शायद टोबैको सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, देख लेना क्या है, लिख लेना उसको भी, टोबैको सिटी हम किसे बोलते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको में, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी, ठीक है। अगली न्यूज आशा वर्कर से रिलेटेड है। आशा वर्कर का नाम सुना है किसी ने? कौन होते हैं वो? तो होते हैं, और भी होते हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं बेसिकली, है ये होते हैं हमारे एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स, ठीक है। एक कभी प्रोग्राम चलाया था, ठीक है, उसका एग्जैक्ट नाम तो मुझे भी नहीं पता, छत्तीसगढ़ में, वहां पर कुछ वेमेन्स को एनरोल किया गया था, सोसाइटी से ही लिया गया था कि आप जो है यहाँ पर सोसाइटी में हेल्थ रिलेटेड कुछ काम करो। उसी प्रोग्राम को सक्सेस होते हुए देख के इंडिया ने जब नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम चलाया,
उस टाइम पर उसको पूरे इंडिया में रेप्लिकेट किया, पूरे इंडिया में लागू किया, और यहां से जो विमेन्स आई उनको हम आशा वर्कर्स बोलने लग गए। तो ये कब से हुई? 2002-2003 के आसपास से, 2005-06 में जब हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चला या नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन चला, तो यहां पर जिन विमेन्स को एनरोल किया इनको हमने आशा वर्कर्स बोला। ये क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं इन केस ऑफ हेल्थ इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में घर घर जाकर के पोलियो की दवाई पिलाना, घर घर, हर एक घर का उन्हें पता होता है, उनके पास डेटा होता है कि यहां पर इसको ये दवाई दी जानी है इस दिन। जैसे टीबी के मरीज हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर दिन उनको जाके बोले कि आज आपको दवाई लेनी है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होती है गांव में इन हेल्थ केसेस। ठीक है, तो बेसिकली तो इंटरफेस होती है कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बीच में। जो हेल्थ सिस्टम हमारा बना हुआ है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बने हुए हैं गांव गांव में, जो हॉस्पिटल्स हैं, शहरों में जो हॉस्पिटल हैं, उनके बीच में और लोगों के बीच में एक वर्कर का काम करती है। ठीक है, तो हेल्थ सिस्टम और कम्युनिटी के बीच में इंटरफेस होती है, उन लोगों को उस हेल्थ सिस्टम तक लाने में मदद करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होती है हेल्थ रिलेटेड नीड्स में, ज्यादातर विमेन्स और चिल्ड्रन में, गांव में। ठीक है, देन उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाता है इन्हें, मतलब रेगुलर सैलरी नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, किस चीज के लिए? इम्यूनाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, वहां पर उनको अवेयरनेस करती है। ठीक है, गांव गांव जाके। देन उसके बाद काउंसल भी करती है, किसमें? बर्थ प्रिपेयरनेस, सेफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शन, इन सब के बारे में लोगों को अवेयर करती है गांव में। ठीक है, और कम्युनिटी एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटेट करवाती हैं, जहां पर कि पीएचसीज तक लोगों तक पहुंचवाना है। ठीक है ना, उनका एक्सेस कहीं ना कहीं उनके उनके थ्रू होता है। जैसे गांव में प्रेगनेंसी के द्वारा जब भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले जो जिनको बोला जाता है आशा वर्कर्स होती है, वो उनको पीएचसीज तक लेके आते हैं। ठीक है, एसेंशियल जो दवाइयां या फिर एसेंशियल जो मेडिकल किट्स दी जाती हैं गांव में, वो इनके थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे ओआरएस की किट हो गई, आईएफए टैबलेट, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, ये सारी चीजें इनके थ्रू गांव में लोगों तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये है। तो लेकिन अभी जो न्यूज है वो न्यूज है इनके इश्यूज के बारे में। ये इश्यूज फेस कर रही है, इस वजह से आंदोलन कर रही है। ठीक है, वो आंदोलन कहां हो रहा है? आंध्र प्रदेश में नहीं, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में तो जब ये आंदोलन कर रही है तो इनके साथ एसोसिएटेड इश्यूज क्या है वो हमें पता होने चाहिए। क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या इश्यूज हैं जो आज के टाइम आशा वर्कर को फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। कभी भी कोई बीमार होता है सबसे पहले वो खड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। तो वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला, वर्कलोड। अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं, एक फील्ड ना करके अलग अलग फील्ड में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ठीक है, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा उनके पास। वर्कलोड होने के साथ साथ गांव की कंडीशंस में उनकी खुद की जो वर्किंग कंडीशंस है वो इंप्रूव नहीं है। उनको ऐसी कंडीशंस में काम करना पड़ता है कि वो खुद ही हेल्थ रिस्क पे आ जाती हैं, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल, इनका शिकार हो जाती है। देन उसके बाद कंपनसेशन इनएडिक्वेट है, खर्च नहीं चलता उनका, पॉकेट खर्चा भी जो कहें। ठीक है, तो जो इनको जो मिलता है, जो भी रिम्यूनरेशन मिलता है वो एडिक्वेट नहीं है। देन उसके बाद बेसिक सपोर्ट भी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ना लीव का कुछ पक्का है कि कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, ना इनका प्रोविडेंट फंड का कुछ है, ना ग्रेच्युटी, ना पेंशन, ना मेडिकल असिस्टेंट, ना लाइफ इंश्योरेंस, ना मैटरनिटी बेनिफिट्स, कुछ नहीं मिलता। तो सपोर्ट सर्विसेज कुछ नहीं मिलती इन्हें। और उसके बाद रिकॉग्निशन नहीं है। जैसे एक आर्मी से कोई है तो अपने आप ही दिमाग में इमेज बन जाती है, अरे देश की रक्षा कर रहे कर रहे, उस टाइप की इमेज नहीं बन पा रही उनकी। वो रिकॉग्निशन नहीं दिया जा रहा जिस तरह का काम इनको करना पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी सपोर्ट तो यही कर रही है गांव में हेल्थ सर्विसेज में, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता।
तो वो रिकॉग्निशन नहीं है जो मिलनी चाहिए. बिना रिकॉग्निशन के वो मोटिवेशन नहीं आता है कि उतना इफेक्टिवली काम कर सके. देन सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. इवन जाके देखोगे तो कमरे भी ऐसे एलोकेट कर दिए जाते हैं गांव में कि कोई सुविधा नहीं होती उस कमरे में, ठीक है, कुछ नहीं है ना. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ना मेडिकल सप्लाईज होती वहां पर, ना कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, फोन का कनेक्शन भी नहीं होता वहां, ठीक है, सब खुद से इंतजाम करो जो करना है. और उसके बाद जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो अलग है. वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये भी चलता गाँव, ठीक है. तो ये सारी है, तो करें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है. जब भी प्रॉब्लम दिखे वहीं से सॉल्यूशन निकलता है. वर्कलोड कम करो, इनके हेल्थ सर्विसेज के ऊपर ध्यान दिया जाए, इंश्योरेंस वगैरह इनका भी किया जाए, कंपनसेशन एडिक्वेट दिया जाए, इनको फॉर्मलाइज्ड वर्किंग वर्कफोर्स में लेके आए, ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में इंक्लूड करें, ताकि जो एक वर्कफोर्स को जो सुविधाएं मिलती हैं, लीव, ग्रेच्युटी, हेल्थ बेनिफिट्स, वो सब इनको भी मिलना शुरू हो, ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली, कि फॉर्मलाइज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक, रिकॉग्निशन और रिवार्ड दिया जाए, देन उसके बाद करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जाए, कि तुम्हारा तुम इतने साल काम करोगे, इसके बाद तुम्हें A&M में प्रमोट कर देंगे, है ना. ये बेसिकली होना चाहिए, ताकि एक मोटिवेशन बना रहे. प्रमोशन क्या है, एक मोटिवेशन होता है, ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं कुछ करेक्ट किए जाने की जरूरत है, जहां पर इनको सपोर्ट किया जा सके, ठीक है. नेक्स्ट इज सरोगेसी रूल्स 2022 अमेंडमेंट, ठीक है. सरोगेसी के ऊपर तो हम बेसिकली पूरा, जब हम सोसाइटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सोसाइटी में इसके ऊपर पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या नहीं है. अभी एक बेसिक जो अमेंडमेंट किया गया, अभी हम उसको जानेंगे, ठीक है. बेसिकली क्या था, अभी रिसेंटली मार्च 2023 में कुछ रूल्स आए थे, कहां गए, हाँ ये रहा, जहां पर डोनर गैमेट्स को बैन किया गया था. डोनर गैमेट्स का मतलब क्या होता है, बेसिक गैमेट्स जो होते हैं वो जैसे स्पर्म हो गया या एग हो गया विमेंस में, ये होते हैं गैमेट्स. डोनर गैमेट्स को कैसे किया गया था, बेसिकली जब एक चाइल्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसको समझें, तो स्पर्म एग दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं, उससे बनता है एम्ब्रायो, ठीक है. यहां पर सरोगेसी का मीनिंग हमें समझना जरूरी है. सरोगेसी क्या होती है, सरोगेसी दो तरह की दिखाई देंगे, ठीक है. एक तो होगी आपकी ट्रेडिशनल और दूसरी जेस्टेशनल. ट्रेडिशनल में क्या था कि जो मां है उसी का एग होगा, स्पर्म डोनेट करने वाला होगा, ठीक है. अब वो बच्चा मां का भी हो सकता है, पिता का भी हो सकता है, लेकिन वहां पर बच्चा जो है वो बायोलॉजिकली कनेक्टेड है मां से, क्योंकि एग है, ठीक है. दूसरा है जेस्टेशनल, जहां पर कुछ इश्यूज की वजह से क्या होगा कि लैब में ग्रो किया जाएगा एम्ब्रायो को, मेल से स्पर्म लेके, मां से एग लेकर के लैब में किया, और किसी एक हेल्दी वुमेन के उसको उसमें इम्प्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है. अब वो जो बच्चा होगा वो किसी भी तरीके से बायोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं है जो मां उसको जन्म दे रही है उससे, क्योंकि एग एंड स्पर्म जो है वो रियल पेरेंट्स का है. अब इसको मना किया गया था 2023 में कि अगर सिंगल मदर है वो चाहे कि एक डोनर से स्पर्म लेकर के मैं मां बन जाऊं, उसको बैन कर दिया गया इन 2023. तो डोनर गैमेट को मना किया गया था कि अगर कोई सिंगल है तो वो मां नहीं बनेगी, और उसी को अलाउ किया गया इस 2022 के अमेंडमेंट में. अभी रिसेंट जो आया है उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिवर्स कर करके सिंगल मदर अगर कोई बनना चाहती है मां, तो उसको अलाउ किया गया है कि किसी एक डोनर की उससे वो बन सकती है. तो बायोलॉजिकली फादर कोई और होगा लेकिन मदर वो रहेगी, ठीक है. तो वो डोनर गैमीट अलाउ किया गया है रिसेंट अमेंडमेंट में, ये इसकी रिसेंट न्यूज थी, ठीक है. इसको जब साइंस पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे कि सरोगेसी रूल्स क्या हैं. सरोगेसी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं,
जब हमारा जो रिसेंट रूल्स आए थे 2021 में आए थे, सरोगेसी रिलेटेड जो रूल्स थे वो 2021 में आए थे, उसमें उससे पहले दो तरह की सरोगेसी चलती थी, ठीक है, एक होती है अल्ट्रुइस्टिक और दूसरी होती है कमर्शियल। अल्ट्रुइस्टिक क्या है कि अगर कोई पति पत्नी या माँ बाप नहीं बन पा रहे तो उनकी सहायता करने के लिए कोई उनके रिलेटिव्स में से या कोई उसमें से अपनी कोख को दान करते थे कि ठीक है लैब में आपने एग लिया, स्पर्म लिया, एम्ब्रायो किया और इम्प्लांट कर दिया, वो था अल्ट्रुइस्टिक कि किसी की सहायता करने के लिए। दूसरा कॉमर्शियल, जिसको बहुत बड़ा एक इकोनॉमी बन गई थी कि बाहर से कोई विदेशी आ रहे हैं और वहां से किसी भी एक लेडी को पकड़ेंगे कि हम तो खुद नहीं पैदा करना चाह रहे लेकिन आप जो है अपनी कोख दान दे दीजिए, हम एम्ब्रायो को आपकी कोख में जो इम्प्लांट कर देते हैं और आप उसकी एवज में हमसे पैसे ले लीजिए। दिस वॉज बी कॉमर्शियल जिसको बैन किया गया 2021 में कि हम कॉमर्शियल सरोगेसी को अलाउ नहीं करेंगे, हम सिर्फ अलाउ करेंगे अल्ट्रुइस्टिक को। अल्ट्रुइस्टिक में भी कुछ कंडीशंस डाल दी गई। क्या कंडीशंस हैं? सरोगेट मदर के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सबसे पहले तो कपल्स के लिए जो सरोगेसी चाहते हैं, जो क्योंकि मेडिकल कंडीशन उनका अलाउ नहीं कर रही है बच्चे को पैदा करने के लिए, तो उस केस में वो इस कंडीशन में इस हेल्प ले सकते हैं सरोगेसी की। लेकिन कंडीशन क्या क्या है कि वाइफ की एज 25 से 50 होनी चाहिए, हस्बैंड की एज 26 से और उनकी शादी को 5 साल हो चुके हों और बच्चा नहीं हो रहा है, 5 साल हो गए हैं लेकिन चाइल्ड नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो इसके लिए जा सकते हैं। तो कपल मस्ट नॉट हैव एनी लिविंग चाइल्ड 5 साल के बाद भी, वेदर बायोलॉजिकल और एडॉप्टेड और थ्रू सरोगेसी, किसी भी तरीके से कोई चाइल्ड नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि चिल्ड्रन है विद डिसेबिलिटीज है तो उस केस में सरोगेसी का एक रास्ता खुला रहता है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है वहां पर। वहीं पर सरोगेट मदर के लिए भी क्राइटेरिया है, कॉमर्शियल तो मना है, अल्ट्रुइस्टिक है, उसमें क्या है कंडीशंस कि उसकी जो एज है वो 25 से 35 होनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं मैरिड होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसका खुद का अपना एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशंस है। और फिर उसके बाद एक और है, इसमें कंडीशन इसमें दी नहीं है, नहीं, इसमें एक और चीज है, हाँ ये मस्ट बी अ क्लोज रिलेटिव, रिलेटिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशन नहीं है लेकिन आपने अल्ट्रुइस्टिक नहीं हो सकता उस केस में, उस केस में गवर्नमेंट मानती है कि कमर्शियल है कि पैसे के लिए किया गया है, राजस्थान में बहुत चल रहा था पीछे, इसके ऊपर मूवी भी बनी है कोई, है ना, तो राजस्थान में बहुत चल रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस कॉमर्शियलाइजेशन हटाने के लिए, क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन के साथ बहुत सारे इश्यूज थे, क्या इश्यूज थे कि सरोगेट मदर बना दिया, बाय चांस वो कहीं और है, उनका तलाक हो गया, उसके बाद बोलेंगे हमें तो नहीं चाहिए बच्चा, अब जो गरीब हो ऑलरेडी वो पैसे के लिए वो कर रही है वो कैसे संभाल लो उसको, या फिर अगर वो बच्चा बाय चांस डिसेबल्ड होता है या कोई और प्रॉब्लम आती है उस केस में वो मना कर देंगे लेने से, क्योंकि रूल्स नहीं है इसके लिए कोई, रूल्स हो जाते हैं तो वो बाउंड हो जाते हैं उसको लेने के लिए। तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से रूल्स लाने पड़े और ये करना पड़ा कि कॉमर्शियल बंद है, अल्ट्रुइस्टिक चलेगा, कि जो रियल में ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं बन पा रहे हैं तो वो जो है इस मेथड से पेरेंट बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सरोगेट मदर है वो क्लोज रिलेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो ये सरोगेसी रूल्स हैं, इसको भी डिटेल्स में जब सोसाइटी पढ़ेंगे, हालांकि यही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, बस हम इश्यूज और वो सब पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा, रूल्स यही है, ठीक है। देन उसके बाद महाराष्ट्र ने एग्जेम्प्ट किया है प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को 25% एडमिशन कोटा से। अभी लास्ट क्लास में हमने राइट टू एजुकेशन पढ़ा, उस राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 का, उसका पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें एक प्रोविजन था
कि अगर आपके नियर 1 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं है गवर्नमेंट स्कूल जहां पा सके, तो वहां पर जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर फर्स्ट क्लास में 25% सीट्स इस आरटीई एक्ट के द्वारा भरी जाएंगी, यानी उन गरीब लोगों की भरी जाएंगी जो उसका फीस नहीं दे सकते, उसके लिए सरकार कंपनसेट करेगी, सरकार उनको पैसे देगी। ये रूल है 25% का। तो अभी महाराष्ट्र ने उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर निकाल दिया कि नहीं, ये यहां पर लागू नहीं होगा। अगर 1 किलोमीटर में कोई स्कूल है तो आपको वहीं गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना है, आप प्राइवेट स्कूल के लिए क्लेम नहीं करेंगे, आप प्राइवेट स्कूल के लिए क्लेम नहीं करेंगे। इससे पहले 2 स्टेट और ऐसा कर चुके हैं। कौन कौन से हैं? एक तो केरला और दूसरा कर्नाटका, और अभी रिसेंटली महाराष्ट्र ने किया। ठीक है, ये जो कर्नाटका वाला था ये अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि उन्होंने ऐसा रूल कैसे निकाल दिया, जब आरटीई एक्ट स्टेट ने बनाया है, सॉरी यूनियन ने बनाया है, स्टेट उसके खिलाफ काम कर ही नहीं सकती क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। एजुकेशन कौन से लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट में। स्टेट के पास पावर है अपने रूल्स बनाने की, लेकिन अगर यूनियन ने बनाया है तो आप उसके अपोज में नहीं जा सकते, यूनियन वाला ओवरराइड करेगा। तो जब यूनियन ने बनाया हुआ है तो आप उसके अपोज में कैसे गए? तो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है ये फैसला, हालांकि इसने एग्जेम्प्ट कर दिया है। अब सवाल आता है, हमने आर्टिकल 30 पढ़ा था कि जो माइनॉरिटीज है उनके पास राइट है टू मैनेज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो क्या उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में ये 25% वाला रूल अप्लाई होता है या नहीं होता है? ये क्वेश्चन है, बताओ। लिखा हुआ इस पे? नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद मना किया कि आरटी एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑन माइनॉरिटी स्कूल्स, जैसे वहां रिजर्वेशन काम नहीं करता वैसे ही यहां पर ये भी काम नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्लियर होना चाहिए इन चीजों के बारे में। और 2012 का अमेंडमेंट उन्होंने खुद ही एग्जेम्प्ट किया हुआ है इन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, अब जो केरला सॉरी महाराष्ट्र में या कर्नाटका में जो हुआ ये किया क्यों, वहां पर उन्होंने बोला क्या? तो जो उनका जो लॉ मिनिस्टर था उन्होंने बोला कि अगर हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज देंगे तो गवर्नमेंट स्कूल के एनरोलमेंट घट रहे हैं, यहां कोई जाना नहीं चाहता, तो इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये यूनियन के लॉ के एक खिलाफ हो जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, हालांकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बताएगा ठीक है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन एज सच जो अभी तक के जो प्रोविजंस हैं उसके आधार पर अगर कंकरेंट लिस्ट में यूनियन का भी लॉ है स्टेट का भी लॉ है तो जो यूनियन कहता है वो मानना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस जो स्टेट लॉ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट मिल गया। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा उन्होंने साइन करवा लिया है तो उनका चलेगा, लेकिन नहीं करवाया है तो यूनियन वाला ही माना जाएगा। ठीक है, देन दूसरा जो कंडीशन उन्होंने बताई थी कि प्राइवेट स्कूल को आपने बोल रहा है ठीक है बच्चे को एडमिट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद स्टेट हमें कंपनसेशन देगा, बोले स्टेट टाइम पे कंपनसेशन देता ही नहीं तो प्राइवेट स्कूल को दिक्कत हो रही है इससे, तो ये भी इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट इसमें दिया है। ठीक है, तो ये एक न्यूज है, पता होना चाहिए, बेसिकली आरटी में एक ये प्रोविजन भी है। ठीक है, तो इसलिए इस न्यूज को लेके आया था। तो जब भी क्वेश्चन आए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है तो उसका आप प्रोविजन बता सकते हो कि इवन द प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में भी रिजर्वेशन 25% बच्चों को पुअर स्टूडेंट्स को दिया जाता है अंडर आरटी एक्ट। देन अगला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड, जहां पर अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ गवर्नमेंट ने कंप्लीट किए हैं, यहां पर अभी रीसेंट जो 2023-24 वाला जो एज में था कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की हैं, कुछ पैसा लिया है सरकार ने आरबीआई से। उसके अलावा दूसरी न्यूज इसमें इंक्लूडेड है कि आरबीआई को भी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा सरकार को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है, दूसरा कि आरबीआई सरकार को क्यों पैसे ट्रांसफर करता है। दो चीजें हैं, पहली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है,
दूसरा आरबीआई को, गवर्नमेंट को, सरकार को क्यों ट्रांसफर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों ट्रांसफर करने पड़ते हैं पैसे? ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? इन्फ्लेशन वाले कॉन्सेप्ट में हम जा नहीं रहे, हम सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? बेसिकली एक तरह की सिक्योरिटी है। जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लोन लेना हो तो कुछ सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है, रखना पड़ता है। ये सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट का सिग्नेचर। ये क्या होता है? यहां पर सिक्योरिटी होती है सिग्नेचर की, कि गवर्नमेंट ने ये पर्चा दे दिया और इस पे ये सब लिख के दे दिया कि मैं आज इससे इतने रुपए ले रहा हूं और जब ये इतने दिन के बाद आएगा तो मैं इसको इतने रुपए दे दूंगा, और नीचे साइन करके दे दिए। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ज्यादा कठिन शब्दों में ना जाते हो, आसान शब्दों में समझें तो एक पेपर है जिसके ऊपर सरकार लिख कर देती है कि इतने दिन के बाद आपको ये रुपए वापस मिल जाएंगे। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। अब सरकार को कोई पैसे दे रहा तो क्यों दे? इंटरेस्ट कमाएगा। इंटरेस्ट कमाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि इसको हम डिस्काउंटेड रेट पे बेच दें, और दूसरा कि इसके ऊपर हम इंटरेस्ट बाद में दे दें। दोनों में अंतर क्या है? डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड रेट पे मतलब होगा कि जो फेस वैल्यू है, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का बॉन्ड रिलीज किया, कितने का? 100 रुपए का। उस 100 रुपए के बॉन्ड को मैं बोलूंगा कि मैं 2 साल के लिए पैसे लेना चाहता हूं 100 रुपए, और ये लो मेरे सिग्नेचर हैं, आप 2 साल के बाद मेरे पास ये बॉन्ड पेपर ले आना और मेरे से 100 रुपए ले जाना। तो लेने वाले को क्या फायदा? कि तुम्हें आज मैं डिस्काउंटेड रेट पे बेच रहा हूं, मैं तुम्हें आज इसको 92 रुपीज में दे देता हूं, 2 साल बाद आना मेरे से 100 रुपए ले जाना। यानी जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पहले काट लो। ये होता है डिस्काउंटेड रेट पे, या फिर फेस वैल्यू पे किसी भी बॉन्ड को देना, क्योंकि इस पे लिखा है 100 रुपए कि मैं 100 रुपए देने का वादा कर रहा हूं, तो 2 साल बाद कितने मिलेंगे? 100। लेकिन इंटरेस्ट कैसे मिला? वो पहले ही ऑलरेडी कम में उन्होंने खरीदा, इंटरेस्ट पहले काट लिया, तो 92 रुपीज में लिया है, बाद में 100 रुपए ले जाना। एक तरीका ही। दूसरा कि आप ये 100 रुपए का ले जाओ, 2 साल के बाद आपको मैं इसके साथ 2 कूपन अटैच करके दे रहा हूं, ये 4 रुपए का, ये 4 रुपए का, आप 1 साल के बाद आना इस कूपन के साथ, मैं आपको 4 रुपए दे दूंगा, अगले साल आप इस कूपन को इसके साथ ले आना, आपको 104 रुपए दे दूंगा। यानी 100 रुपए में लिया, 2 साल के बाद 108 रुपए मिल गए, इंटरेस्ट यहां भी मिला है। इसको हम बोलते हैं कूपन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? कूपन बॉन्ड, जिसमें कूपन अटैच कर देते हैं, इंटरेस्ट के कूपन हो जाते हैं। ठीक है, कि आप ये कूपन लेके आना और मैं इतने रुपए आपको दे दूंगा, और ये तो आपके पास है, ये तो आपको मिलेगा। तो दो तरीके के होते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक पेज है जिसके ऊपर सरकार लिख के देती है कि आपको इतने साल के लिए पैसे हमें देने हैं और हम आपको इतने साल बाद रिटर्न कर देंगे। समझ में आए? ठीक है, ये अलग अलग टाइप की होती है। जब भी सरकार को पैसे की जरूरत होती है, सरकार ऐसी ऐसी सिक्योरिटीज छाप के आरबीआई को देती है, आरबीआई से पैसे ले लेती है, आरबीआई से पैसे ले लेगी, और क्योंकि उस पर गवर्नमेंट के साइन होते हैं इसीलिए उन्हें सोवरेन बॉन्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोवरेन बॉन्ड्स, क्योंकि ये सोवरेन है। सोवरेन मतलब सरकार सोवरेन है, सरकार के ऊपर कोई है नहीं, सरकार अपनी मर्जी से दे सकती है, तो सरकार का भरोसा कर सकते हैं, तो सबसे भरोसेमंद ने साइन किया हुआ है, इसीलिए इसको हम गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, क्योंकि इनके ऊपर एक भरोसा है। ठीक है, जो सरकार के द्वारा सिक्योरिटीज इश्यू की जाती हैं उसे सोवरेन भी कह सकते हैं, गिल्ट एज्ड भी कह सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? तो अब क्या आगे सुन? ठीक, अब दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं, आरबीआई क्यों ट्रांसफर करता है। आरबीआई, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर बनाया गया। कब बना? आरबीआई एक्ट 1934 लिखा है। हाँ, ये रहा। उस टाइम तक प्राइवेट था, जब आजाद हुए 1949 में
सरकार ने आरबीआई को अपने अंडर ले लिया, 100% शेयर्स सरकार ने अपने पास रख लिए। अब किसी कंपनी के मेरे पास शेयर हैं, उस साल में जो भी प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? जितने शेयर होंगे उतना मेरा होगा। तो आरबीआई का जो भी प्रॉफिट बचता है अपने खर्चे घटा करके, वो प्रॉफिट शेयर होल्डर को ट्रांसफर करती है। तो सरकार ही तो शेयर होल्डर है, तो इसीलिए आरबीआई हर साल सरप्लस ट्रांसफर करती है सरकार को। आरबीआई हर साल सरप्लस सरकार को ट्रांसफर करती है, क्लियर है? इसीलिए आरबीआई को ट्रांसफर करने पड़ते हैं। हम सुनते हैं ना, इस साल 84,000 करोड़ आरबीआई ने ट्रांसफर किए, इतने ट्रांसफर किए, वो इसलिए कर लिया जाता है। करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए देती है सरकार, ये आरबीआई। तो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई टाइप की होती हैं, डिपेंड ऑन टाइम लिमिट क्या है, और इसको हम जनरली डेट इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि उधार लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है। डेट मतलब उधार, कि सरकार को उधार चाहिए तो ये इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, तो इसीलिए हम इसको डेट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसको डेट इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, और उसके आधार पर अलग अलग नाम हो सकते हैं। ट्रेजरी बिल जो एक साल से कम का हो, 91 डेज भी हो सकता है, 182 डेज भी हो सकता है, 364 डेज भी हो सकता है। उससे कम डेज का अगर कोई सिक्योरिटी है तो उसे हम ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। इसके साथ खास बात यह है कि ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। इसको स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। कहां गया ये रहा, यहां लिख लेना इसके साथ कि स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करती है, क्योंकि यूपीएससी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कि इसको स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है कि नहीं। स्टेट गवर्नमेंट जनरली डू नॉट इशू ट्रेजरी बिल्स, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट इशू ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। उसके बाद बहुत कम समय के लिए जब सरकार को कुछ इशू करना, जैसे कुछ फाइनेंसेस मैच कर रही है, कुछ कम ज्यादा रह गया, तो उस टाइम पे पैसे चाहिए अचानक, तो उस छोटे टाइम के लिए, उस कैश को मैनेज करने के लिए, अकाउंट को मैनेज करने के लिए जो बिल इशू किया जाता है उसे हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल, उसे हम बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल, टू मीट द टेम्पररी मिसमैचेस इन द कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 91 डेज मैक्स। देन जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और जब ये डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेट के द्वारा इशू की जाती है तो उसको हम नाम बोल देते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। जब ये डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेट के द्वारा इशू की जाए तो उसे हम बोल देते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। क्लियर है? कोई डाउट? हालांकि जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे ना। जो सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना होता है, क्योंकि आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट के बैंकर का काम करता है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ में इन सिक्योरिटी को साइन किए गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट थोड़ी खुद बेचने जाएगी, उसकी जगह कौन बेचेगा? आरबीआई। आरबीआई जब मार्केट में इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कुछ नहीं है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त आरबीआई के द्वारा की जाती है तो उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और आरबीआई जब भी करता है तो आरबीआई अपने कस्टमर्स के साथ करता है। आरबीआई के कस्टमर कौन है? अलग अलग बैंक्स, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो क्या एक आम आदमी अगर चाहे तो इन सिक्योरिटीज को नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है, पहले नहीं खरीद सकता था डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई। दो मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होती है कि ओरिजिनली जहां से इंट्रोड्यूस हुआ वहीं से खरीद लेना, और सेकेंडरी मार्केट होती है कि किसी ने खरीदा है अब आप वहां से ले लो, वो सेकेंडरी मार्केट है। तो डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट से कुछ साल पहले तक इंडिविजुअल नहीं खरीद सकते थे,
लेकिन आरबीआई ने उसको अलाउ किया, शायद तो 2016 में या कब से किया है, उन्होंने एक प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी अकाउंट ओपन कर दिया, जिसको हम जानते हैं रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट के नाम से, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। अब यहां प्राइवेट इंडिविजुअल भी आरबीआई में इस अकाउंट को खोल करके इन सिक्योरिटीज को डायरेक्टली खरीद सकते हैं आरबीआई से। क्लियर है? ठीक है, तो ये लगा लो कि इकोनॉमी का जो एक क्रैश कोर्स हो जाता है ना, उसमें इतने जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम बिल्स के बारे में हमने देख लिया यहाँ। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हो सकता है सिर्फ बिल्स के ऊपर ही पूरी क्लास हो जाए। ठीक, क्योंकि बहुत तरह के बिल्स होते हैं उस टाइम पे जब हम पढ़ेंगे। देन अगली जो न्यूज है, यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड द एनवायरनमेंट। ये बेसिकली यूनैप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और एक और एजेंसी है जिसे हम क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के नाम से जानते हैं। इन दोनों ने मिलकर के एक ये रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड द एनवायरनमेंट, अ ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ द यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स फ्लो स्केल एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और ये कहां पे रिलीज की है? इन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली। ठीक है, यूनैप क्या है? एनवायरनमेंट के लिए यूएन की एजेंसी है, और सीसी ये क्या है? सीसी एसी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, ये क्या है? जो एनवायरनमेंट में शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स हैं, शॉर्ट लिव्ड यानी जिनके लाइफ कम होती है, जैसे मीथेन। ठीक है, इस तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो एक कोलिशन बना उसे हम जानते हैं क्लीन एयर क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। तो शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स के लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली। ठीक है, और ये जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली है, ये यूनैप बना तब से नहीं है, ये अभी 2012 में बनी है। ये कब बनी है? 2012 में बनी है, और ये यूनैप की गवर्निंग बॉडी है, यानी यूनैप के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो इस मीटिंग में बैठते हैं, जो डिसीजन लेते हैं कोई भी। यूनैप के डिसीजन मेकर्स यूनैप की यूएनईए में बैठते हैं। 2012 में बनी है, रियो प्लस 20। रियो क्या है? रियो अर्थ समिट, 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था एनवायरनमेंट को लेकर के, उससे प्लस 20, रियो प्लस 20, यानी कि 1992 प्लस 20 इयर्स 2012। तो 2012 में जो समिट हुई थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस टाइम पर ये बनाई गई थी। ठीक है, हमें जो रिपोर्ट है हैवी ड्यूटी व्हीकल्स उसको पढ़ना है। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स कौन से होते हैं? जो ज्यादा लॉजिस्टिक्स में अगर हम देखें तो ज्यादा माल जो ढोते हैं, भारी माल जो ढोते हैं बेसिकली, उनको बोलते हैं हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। ठीक है ना, बहुत ज्यादा वजन उठा के चलते हैं, इनमें ज्यादातर पोर्शन ट्रक्स का है, इनमें ज्यादातर पोर्शन ट्रक्स का है। ये रिपोर्ट बताते हैं कि जो पॉल्यूशन हो रहा है इनमें, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, जिसमें अगर हम देखें 40% जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो रही हैं वो यहां से आ रही हैं, 60% पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है, पर्टिकुलेट मेट्रिकुलेट 2.5, या 20% जो ब्लैक कार्बन एमिशन है वो सब यहां से आ रहे हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं वो इसकी वजह से 30% से भी ज्यादा बढ़े। ठीक है, अब ये रिपोर्ट क्यों आई है उसके पीछे देख लेते हैं। जो ओवरऑल जो वर्ल्ड में हैवी ड्यूटी व्हीकल सेल हो रहे हैं, अराउंड 6.3 मिलियन कहीं लिखा होगा, है ना, 2015 में इन्होंने बताया 6.3 मिलियन हैवी ड्यूटी व्हीकल सेल हुए, इनमें से
50% सेकेंड हैंड थे, यानी वो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, उसके बाद दोबारा से उनको किसी और कंपनी के द्वारा या देश के द्वारा खरीदा जा रहा है। अब इसमें एक सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये उनको यूज करके डेवलपिंग कंट्रीज को बेच देते हैं और इनसे होने वाला पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और जब वो बेचते हैं तो एनवायरमेंटली या फिर उसको चेक नहीं किया जाता उसे पॉल्यूशन कितना निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां के एनवायरमेंट को या ओवरऑल एनवायरमेंट को बहुत खराब करते हैं। ठीक है, तो रीसेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन है, वही चैलेंज है कि अगर हो रहा है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो वो फिट है कि नहीं, पॉल्यूशन फ्री है कि नहीं, पॉल्यूशन कम कर रहे हैं कि नहीं, जितना स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ओवरऑल मिला के इसकी समरी है। ठीक है, तो क्या क्या है, सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड में अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन और कोरिया 60% जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है वो यहां से ट्रेड हो रहा है, 60% टोटल 6.3 में से 50% रीसेल वाले थे। ठीक है, यूज्ड एसडीवी व्हीकल्स जिसे हम कहेंगे। रिकमेंडेशन कह रही है कि अगर ऐसा करना भी है तो हमेशा क्लीनर और सेफर यूज्ड व्हीकल्स को देखो, ऐसा नहीं कि जैसे एक रिपोर्ट में किसी कंट्री का नाम लिया था कि जब उसने बेचे तो वहां से कोई फिल्टर निकाल लिया था और वो एनवायरमेंट को और ज्यादा पॉल्यूट कर रही है वहां जाकर के। ठीक है, तो एक सेफर और क्लीनर व्हीकल्स का यूज किया जाए, देन उसके बाद एमिशन स्टैंडर्ड्स और एज लिमिट्स उसके साथ एसोसिएटेड हो कि इस व्हीकल्स को इससे ज्यादा आप यूज नहीं करोगे, इससे ज्यादा एमिशन नहीं। जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो हमने भारत 6 स्टेज अप्लाई की हुई है 2020 से, BS6 जिसे हम कहते हैं, भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए हुए, जो कहीं ना कहीं हमारे जो नाइट्रोजन पॉल्यूशन है या फिर PM2.5 है इनको कंट्रोल करने में मदद करता है, इनको कम पॉल्यूटिंग होते हैं, जो BS6 स्टैंडर्ड वाले होते हैं वो कम पॉल्यूटिंग व्हीकल्स होते हैं, तो इसीलिए कुछ एमिशन स्टैंडर्ड्स और कुछ एज लिमिट्स उनके साथ होनी चाहिए जो हमें अप्लाई करनी है जब इनको बेचें। ज्यादातर जो हैवी व्हीकल्स हैं वो डीजल पे ही चलते हैं और डीजल ज्यादा पॉल्यूटिंग है देन दी पेट्रोल, तो इसलिए और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा रेगुलेशन की जाए हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उसमें इंट्रोड्यूस किए जाए, सेफर बनाया जाए उन्हें। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री तो कर सकती है ना, तो कम से कम वो तो करें, तो ये इसमें एक वो किया गया। उसके बाद कोलैबोरेशन तो हर जगह आएगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू फेज आउट शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। शॉर्ट लिव्ड कौन कौन से हैं, मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और इसके लिए क्या बनाया गया, CCAC, क्लाइमेट ऑन क्लीन एयर कोलिशन। ठीक है, ये बेसिकली इनको सुपर पॉल्यूटेंट बोला जाता है जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, पता है क्यों, ये ब्लैक कार्बन हुआ, मीथेन हुआ, ये सुपर पॉल्यूटेंट है, क्यों है, इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो कम समय में ही उतना ज्यादा इंपैक्ट कर देते हैं जितना कार्बन डाइऑक्साइड कई सालों में नहीं कर पाती। इनकी लाइफ ज्यादा नहीं है लेकिन इंपैक्ट ज्यादा होता है, तो इसीलिए अगर हम इनको कंट्रोल कर लें तो एनवायरमेंट को बहुत हद तक हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगली न्यूज थी बिटकॉइन हाविंग की, कि बिटकॉइन हाविंग कैसे, बेसिकली कैसे हाफ किया जा रहा है। बिटकॉइन का एक प्रोसेस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है बेसिकली। ठीक है, एक छोटा सा इसके बारे में आइडिया दे देता हूं, बिटकॉइन का कौन ओरिजिनेटर है ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक नाम लिया जाता है सतोशी नाकामोतो करके कुछ इस टाइप से नाम है, देख लेना क्या है वो। ठीक है, तो हुआ क्या था कि उनका जो रेगुलर करेंसी चलती है ना कंट्रीज में, उनके ऊपर से विश्वास उठ गया कि ये तो कभी भी गिर जाती है, कभी भी इनका प्राइस ज्यादा हो जाता है, तो इन्होंने एक डिजिटल करेंसी बनाई। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके कई टुकड़े हो सकते हैं,
और ये लिमिटेड है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें कंडीशन रखी कि जब भी 21 लाख यूनिट बिटकॉइन सोल्ड होंगी तो उस टाइम पर हम ये प्रोसेस करेंगे जिससे जाना जाएगा बिटकॉइन हाविंग, हाफ कर देना। यानी बिटकॉइन पाने के कई तरीके हैं, बिटकॉइन पाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि बिटकॉइन माइनिंग करो। माइनिंग करो मतलब ये नहीं खोदो, होता क्या है, एक पजल है कंप्यूटर में, एक पजल क्रिएट हो जाती है, वो पजल सॉल्व करते चले जाना है, उसको माइनिंग बोलते हैं। जो सॉल्व कर लेगा उसे इनाम में बिटकॉइन दे देते हैं। जो बहुत ही लेंथी और बहुत हैवी कंप्यूटर चाहिए, मतलब बहुत फास्ट कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रोसेस है कि जिसके पास बिटकॉइन है आप उसे पैसे दे दो, उससे बिटकॉइन ले लो। तीसरी प्रोसेस है कि उस जिसके पास बिटकॉइन है उसे किसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, उसकी वो सर्विसेज दे दो और उसके बदले में ले लो। ये दो तीन तरीके हैं बिटकॉइन लेने के, ठीक है। अब किसी के पास एक बिटकॉइन है, वो खरीदना चाह रहा है, मेरे पास आया है, तो उस टाइम पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक प्रोसेस होता है कि बेसिकली यहां से मैंने कोशिश की, मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूं, ठीक है, किसी के पास है वो मुझे बिटकॉइन देना चाह रहा है, तो जब ये प्रोसेस होगी तो इससे एक ब्लॉक डेवलप होगा। इसको हम सिंपल भाषा में या इसकी भाषा में नोड बोलते हैं, एक नोड डेवलप होगा। अब ये नोड कुछ लोगों के पास जाएगा जो अप्रूव करेंगे इस ट्रांजैक्शन को। ये जो ब्लॉक है जो मैंने खरीदा, ये कुछ लोगों के पास जाएगा जो इसको अप्रूव करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वैलिड है और ये सही है। और जैसे ही वो वैलिड हो जाएगा, ये नोड जो है ये ब्लॉक बनके उस चेन में जुड़ जाएगा, यानी वो ट्रांजैक्शन इस चेन में लिखी जाएगी कि ये देखो ये रही तुम्हारी ट्रांजैक्शन, और ये चेन बढ़ती चली जाती है ऐसे, यानी हर ट्रांजैक्शन इसमें एंट्री हो जाती है और ये ट्रांजैक्शन हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है जो जो इसको यूज कर रहा है। इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड भी बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई की तरह एक ही सर्वर पे सारे ट्रांजेक्शन कैद है, ये ट्रांजेक्शन हर एक व्यक्ति के कंप्यूटर में अवेलेबल है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि इसको चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है, उसके बहुत सारे यूजेज हैं और इंडियन गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही है, और ये बिटकॉइन भी उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है। अब इसमें बोला गया कि जब 21 लाख, मैंने जो बिटकॉइन पाने के तरीके बताया उसमें बताया कि आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, कि ये कई सारे कोड हैं, आपको इन कोड को ओपन करना पड़ेगा, तब जाकर यहां रखा हुआ बिटकॉइन आपको मिल जाएगा। इन्होंने बोला जब 21 लाख बिटकॉइन इस तरीके से मिल चुके होंगे, उसके बाद जो अगला बिटकॉइन मिलेगा उसे उस बिटकॉइन की हाफ वैल्यू मिलेगी, पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? हाफ वैल्यू। मान लो ये एक बिटकॉइन है, ये इतने सारे माइनिंग करने के बाद मिला है, 21 लाख बिटकॉइंस ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट बिटकॉइन इशू होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, अब उसे जो बिटकॉइन मिलेगा ये एक्चुअल में उसे पूरा ना मिल करके हाफ मिलेगा। इससे होगा क्या, इससे प्रोसेस क्या पड़ेगी? पहली कि बिटकॉइन की जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। पहले एक बिटकॉइन माइन हो रहा था, अब आधा ही हो पाया इतनी प्रोसेस करने के बाद, तो नंबर ऑफ बिटकॉइन डिक्रीज होंगे। डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो अनलिमिटेड ना हो जाए, उसकी डिमांड बनी रहे, उसके लिए किया जाता है, उसके लिए बिटकॉइन हाविंग किया जाता है, उसको हाफ किया जाता है। तो जब फिर अगले 21 लाख ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, 21 लाख बिटकॉइन मिल जाएंगे, फिर से हाफ कर देंगे ताकि नंबर ऑफ बिटकॉइंस रिड्यूस हो जाए, उनकी डिमांड बढ़ जाए और प्राइस उसका उतना जाए, ठीक है। तो अभी ये बेसिकली न्यूज है। इसमें बिटकॉइन हाविंग क्या है, ये एक प्रोसेस पता होनी चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है।
कई बार इस टाइप के टर्म्स पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा कि बिटकॉइन हैविंग है क्या, ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मतलब जो ऑप्शंस होंगे उनमें से क्या टिक करना पड़ेगा कि माइनिंग के दौरान तो बिटकॉइन्स आर शेड्यूल्ड टू ऑकर एवरी 21 लाख ब्लॉक्स, जब भी 21 लाख ब्लॉक बन जाएंगे उसके बाद बिटकॉइन हैविंग होती है, जनरली 4 साल में ये सब हो जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यू बिटकॉइंस बीइंग जनरेटेड बाय द नेटवर्क टू लिमिट द सप्लाई ऑफ न्यू कॉइंस सो प्राइसेस कुड राइज इफ डिमांड रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दिस इज बिटकॉइन है, ठीक है, क्लियर। इंपैक्ट पहला कि जो लोग इतने कंप्यूटर लगा करके बैठे हैं उस बिटकॉइन को माइन करने के लिए वो डिस्करेज होंगे, डिस्करेज होंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी वो फूक रहे थे बैठे बैठे अब नहीं फूकेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी, एनवायरमेंटली ठीक हो जाएगा। दूसरा, जो इतने सारी अवेलेबिलिटी, जब किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं, अब वो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो प्राइस स्टेबल रहेंगे, प्राइस डिस्टेबलाइज नहीं होंगे, ठीक है, ये इंपैक्ट इसके पड़ेंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली पता होना चाहिए। अभी रिसेंट एक न्यूज थी, स्वीडन नाटो का 32वां मेंबर बन गया। नाटो क्या है ये पता होना चाहिए, नाटो क्या है, है क्या है ये, तो इसकी फुल फॉर्म कब बने थे, 1949 में, तो ठीक है, पढ़ा है इसके बारे में, वारसो पैक्ट पढ़ा है, ठीक है, जब रशिया और अमेरिका का कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे रशिया स्ट्रॉन्गर उस पे था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था ब्रिटेन चला गया है, अभी जो वर्ल्ड का लीडर बना हुआ वो अमेरिका है, उसको अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए एक खतरा दिखाई दे रहा है रशिया, रशिया इस तरफ से एक्सपेंड करता जा रहा है कम्युनिज्म को और वो कैपिटलिज्म को एक्सपेंड कर रहा है, उस खतरे से बचने के लिए यूरोप की कुछ कंट्रीज ने और अमेरिका ने मिलकर के एक अलायंस बनाया जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, जहां पर ये माना जाता है कि एक के ऊपर अगर अटैक किया जाता है वो माना जाता है कि सभी के ऊपर अटैक है, तो एक सिक्योरिटी अलायंस उन्होंने नाटो के नाम से बनाया। जब उधर नाटो बना 1949 में, रशिया ने बोला हमें भी ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने वारसो पैक्ट के जरिए सभी जो कम्युनिज्म वाली कंट्री उनको इकट्ठा किया, तो नाटो और वारसो पैक्ट हमें पता होना चाहिए, और अभी रिसेंटली जो 32वां मेंबर बना है नाटो का दैट इज स्वीडन, ठीक है, तो ये कुछ मेंबर्स हैं इसके और पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी हैं कुछ, मैसेडोनिया बोस्निया जो आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, ठीक है। इसका जो नाटो का जो हेडक्वार्टर है दैट इज ब्रसेल्स बेल्जियम है, ठीक है, ब्रसेल्स बेल्जियम के ऊपर 10th क्लास की मैंने एक स्टोरी दी थी, पढ़ी थी ठीक है ना, एकोमोडेटिव, ठीक है ना। फिर एक रिसेंटली एक नाम सामने आया, होमोसेप एटम है क्या चीज है, तो ये कुछ नहीं है, ये मशीन है सीवर साफ करने की, ठीक है, ये मशीन है सीवर साफ करने की, बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग जहां पर आदमियों को उतारा जाता है सीवर में साफ करने के लिए, उसके ऊपर रोक सुप्रीम कोर्ट ने कई साल से लगाई कि वो ह्यूमन राइट का ग्रॉस वायलेशन है, आप ये नहीं कर सकते। तो उसी साइड में रोबोटिक तरीके से मशीन्स के द्वारा उसको साफ करने के लिए जो मशीन बनाई गई उसका नाम है होमोसेप एटम, ठीक है, और ये एक बेसिकली स्टार्टअप ने बनाया जिसका नाम है सोलिनास, बस इसके बारे में इतना पता होना चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक ये लास्ट न्यूज है क्या रिगार्डिंग नाइट्रोजन पॉल्यूशन, बेसिकली जो रिसर्च अभी रिसेंट हुई है तो उसमें बताया गया है कि 2050 तक जितने भी रिवर्स हैं उसमें से वन थर्ड रिवर्स का जो बेसिन है वहां क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी ड्यू टू नाइट्रोजन पॉल्यूशन। तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन है क्या, है
कैसे होता है, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन पॉल्यूशन क्या है। तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन क्या है, एक लिमिट से ज्यादा नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाना, उसके कंपोनेंट बढ़ जाना एनवायरमेंट में, दिस इज नाइट्रोजन पॉल्यूशन। ठीक है, और ये एयर में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है। ठीक है, और यूनैप की रिपोर्ट बताती है कि 80% ऑफ द टोटल 200 मिलियन जो रिएक्टिव नाइट्रोजन है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में मिलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली है। और उसके बाद ये हो क्यों रहा है, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है फर्टिलाइजर का यूजेस। जो हम फर्टिलाइजर है उसमें यूरिया में है क्या, नाइट्रोजन ही तो है। ठीक है, हम उसका ऐसे धड़ल्ले से यूज करते जा रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट में नाइट्रोजन बहुत ऐड हो गया, एनवायरमेंट में नाइट्रोजन बहुत ऐड हो गया, जिसका ये रिसेंटली एग्जांपल है 1978 से लेके 2014 तक जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर हैं उनकी वजह से होने वाला पॉल्यूशन डबल हो चुका है। ठीक है, सोर्स क्या है नाइट्रोजन पॉल्यूशन के, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जहां पर फर्टिलाइजर का होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जहां पर केमिकली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वहां से बनते हैं, देन लाइव स्टॉक फार्मिंग है जो बेसिकली एनिमल वेस्ट होता है उसमें यूरिया बहुत होता है, उसमें नाइट्रोजन बहुत होता है, तो वहां से भी बेसिकली। ठीक है, देन उसके बाद बायोमास बर्निंग, जो एनिमल वेस्ट है जब उसे बर्न करेंगे तो वही तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रस ऑक्साइड्स निकलेंगे, है ना, तो यहां से भी है। इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है, पहला इंपैक्ट है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन है क्या चीज, एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन द वाटर। उससे हो क्या रहा है, नाइट्रोजन वहां पर जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वाटर में, जो छोटे छोटे अगर हम कहें कि जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए फर्टिलाइजर का काम करता है, उनके लिए फूड का काम करता है। तो जब भी एक जगह पर नाइट्रोजन एक्सेस मात्रा में आ जाए तो उसको खाने के लिए बहुत सारे अलगे जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो ऊपर पूरी ऐसी परत सी बन जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं अल्गल ब्लूम, जहां पर इतने सारे अल्गेस इकट्ठे होकर के पूरे सी वाटर को कवर कर लेते हैं, सरफेस को कवर कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्गल ब्लूम। उसकी वजह से हो क्या रहा है, वहां से जो नीचे सनलाइट जाती थी अब वो सनलाइट नीचे नहीं पहुंचेगी क्योंकि अल्गल ब्लूम हो चुका है, पूरे सरफेस पे अल्गेस। अब सरफेस से नीचे सनलाइट आ नहीं रही है, नीचे रहने वाले सबको सनलाइट चाहिए ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए, ना ऑक्सीजन पहुंच रही ना सनलाइट पहुंच रही, उससे क्या होगा, जो नीचे वाले जो स्पीसीज है, नीचे वाले लिविंग बींग है वो मर जाएंगे, ऑक्सीजन डिप्लीटेड एरियाज क्रिएट हो जाएंगे। तो यूट्रोफिकेशन किस तरीके से उनको इंपैक्ट करता है, तो वो ये चीज है, और इसका मेन रीजन है नाइट्रोजन पॉल्यूशन न्यूट्रोफिकेशन का। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट। अगर एयर में है तो रेस्पिरेटरी जो हमारा जो बेसिकली है उसमें उसको डैमेज करता है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही वाटर पॉल्यूशन जब होता है तो जब पीने के पानी में घुल के आता है तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है छोटे बच्चों के ऊपर, और छोटे बच्चों के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है उसे हम जानते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से। क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो ये होता है वाटर में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी की वजह से, तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसी नाइट्रोजन की वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है, वहां जाकर के जो ऑक्सीजन है उसको एक्स्ट्रा मतलब बेसिकली रिएक्ट कर करके एक ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन जुड़ जाए तो O3 बनता है, O3 इज ओजोन। ये O3 हमारे जो सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं,
वहां हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन यही ओजोन अगर अर्थ के पास हो, ट्रोपोस्फेयर में हो, तो ये पॉल्यूटेंट का काम करती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड ऊपर ओजोन डिप्लीशन में मदद कर रही है और नीचे ओजोन क्रिएशन में मदद करती है। यानी ऊपर जहां हमारे फायदे के लिए है वहां से ओजोन को हटा रही है, और यहां पर जहां नुकसानदायक है यहां ओजोन बना रही है। तो दोनों तरीके से नाइट्रोजन हमारे लिए इंपैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर इज ए पॉल्यूटेंट और नॉट। तो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होती है वो पॉल्यूटेंट है, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है वो पॉल्यूटेंट नहीं है, वो ओजोन लेयर का काम करती है, वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, वो सनलाइट से आ रही यूवी रेज से बचाती है। क्लियर है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इंडिया ने क्या किया, बचाएं कैसे नाइट्रोजन पॉल्यूशन से? सबसे पहले BS6, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, BS6 नॉर्म्स ले आए, भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, कि सभी व्हीकल्स 2020 के बाद जो भी सेल होंगे वो BS6 नॉर्म से कंप्लाई होने चाहिए। तो वो कम नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, कम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं PM, है ना, मेट्रिकुलेट, जो बेसिकली साइज होता है जो ऑब्जेक्ट्स जो उससे निकलते हैं, ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर करके, ठीक है। तो वो PM2.5 का जो अगर हम कहें इन व्हीकल से निकलने का, वो भी कम हो जाता है, तो पॉल्यूशन भी कम कर रही है, PM2.5 को भी कम कर रही है BS6। तो ये इन्होंने बोला है कि हम 2020 से ये लागू कर देंगे, और कर भी दिया, सभी जितने भी व्हीकल्स हैं 2020 के बाद जो बिख रहे हैं वो BS6 कंप्लाइड है। देन उसके बाद न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी, बोले ऐसे नहीं किसी को भी यूरिया दे दो, न्यूट्रिएंट के हिसाब से, तो जहां जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वहां वो दो। यूरिया दे रहे हो हर जगह, नाइट्रोजन देने से फायदा क्या है, होता क्या है वो फर्टिलाइजर जमीन पे है, बारिश आई तो पानी के साथ बह गया, नीचे गया तो ग्राउंड वाटर में चला गया, क्लीन वाटर में आया और पानी के द्वारा बच्चों में चला गया, ये हो रहा है। तो बोले नहीं, न्यूट्रिएंट बेस्ड होना चाहिए जो फर्टिलाइजर होना चाहिए, कि जिस चीज के रिक्वायरमेंट है उसके लिए उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया, कि हम सॉइल का हेल्थ स्टेटस चेक करके ये कार्ड देंगे और तुम्हें बताएंगे कि यहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जबरदस्ती हर जगह नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जितनी है हम उतनी दें, एक्स्ट्रा ना दें, जरूर थोड़ी है देते हैं ज्यादा कि यूज करो, जो एक्स्ट्रा है वो रन ऑफ होता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, और फिर लास्ट नैनो यूरिया। नैनो यूरिया क्या है, नॉर्मल यूरिया की बजाय नैनो यूरिया, ठीक है, बहुत छोटे छोटे वो होते हैं, जो नॉर्मली जो हमारा यूरिया लगता है उसका बहुत कम ये अप्लाई होता है, और उसी एरिया में जाकर के काम करता है अपना। मतलब ऐसा नहीं कि पड़ा रहा, थोड़ा बहुत पहुंच गया, थोड़ा बहुत फैल गया, नहीं, ये स्पेसिफाइड उस एरिया में जाकर के काम करता है, बहुत छोटे लेवल पे काम करता है नैनो यूरिया। तो इसका यूजेज ये है कि एक तो पहली बात तो ये लगता कम है, दूसरा इफेक्टिवनेस ज्यादा है, इसकी वजह से वेस्टेज कम है नाइट्रोजन का, इसकी वजह से नाइट्रोजन का वेस्टेज कम होता है, ठीक है। तो नैनो यूरिया, और नाइट्रोजन है क्या चीज, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट एलिमेंट अगर कुछ है तो नाइट्रोजन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट इज नाइट्रोजन, ठीक है, जैसे प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स, सब में नाइट्रोजन पाया जाता है, सबके अंदर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, एनवायरमेंट में इतना अवेलेबल है, उसके लिए उसको फिक्स किया जाना जरूरी है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड अगर उसको कंज्यूम करना है बाय द प्लांट्स, बाय द एनिमल्स, बाय द ह्यूमन बींग्स। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलग अलग तरीके हैं जो किए जाते हैं, बेसिकली नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स में उसे बदला जाता है बाय बैक्टीरियाज, अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं, जो हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे, ठीक है, वो नाइट्रोजन साइकिल में हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली अलग अलग है कि नाइट्रस ऑक्साइड का सोर्स क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, ये मैंने आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है।
ये आपको खुद पढ़ना है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है तो ये कहां कहां से आता है, इसके बेनिफिट क्या हैं और इसके इफेक्ट क्या हैं। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन सी पॉल्यूटेंट है, कौन सी बेनिफिशियल है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ये सब हमें अलग अलग पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग इनका बताया हुआ है। और वे फॉरवर्ड क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को सुधारो, वाटर ट्रीटमेंट को करके भेजो, मतलब ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री से पानी निकल रहा है ऐसे बहने दो, उसको ट्रीट करके फिर आगे बहाओ। ठीक है, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके, नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट को हटाया जा सके। देन उसके बाद ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, ग्रीनरी जब बढ़ेगी तो सरफेस रन ऑफ कम होगा, सरफेस से जो ऐसे बह जाता है वो कम होगा, उसकी वजह से जो यूट्रोफिकेशन है वो कम हो जाएगा, पानी बह के जो फर्टिलाइजर बह जाता है वो नहीं बहेगा। देन उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस बताओ, पढ़ाओ कि लोगों को भी बताओ कि नाइट्रोजन के ये सब नुकसान है। ठीक है, क्लियर है।